चार दिन से यहाँ सत्संग चल रहा था। हमने ये सत्संग का लाभ और आनंद उठाया। आज पांचवा या अंतिम दिन है। मैं समझता हूँ यहाँ जो लोग उपस्थित हुए हैं वो अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के और अलग अलग मान्यता रखने वाले लोग यहाँ आए हैं। ये कोई एक धर्म और संप्रदाय गुरु या भगवान को मानने के लिए आए हैं वो नहीं है। अलग अलग धर्म वाले लोग आए हैं, अलग अलग गुरु को मानने वाले आए हैं, अलग अलग मान्यता को फॉलो करने वाले आए हैं। मगर मैं समझता हूँ कि विज्ञान यहाँ जो भी आए सभी को ये विज्ञान समझ में आया होगा और सभी को या ऐसा लगा होगा कि ये विज्ञान सब हमारे लिए है। किसके लिए है? क्योंकि ये विज्ञान के अंदर धर्म, संप्रदाय, परिवार, भगवान, गुरु, रिचुअल्स ये बीच में आता ही नहीं है। तो यह भेदभाव नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी धर्म में जाओगे तो भेदभाव ही रहेंगे, क्योंकि वो धर्म का पालन करता है, वो दूसरे धर्मों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो गुरु को मानेंगे दूसरे गुरु को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो परंपरा को फॉलो करेंगे दूसरी परंपरा को नहीं मानेंगे। मगर मैं जब सनातन सत्य की बात करता हूं, आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूं, कुदरत के कानून की बात करता हूं, तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या है? बोलते नहीं है धर्म में तो ऑप्शन है, भगवान में भी ऑप्शन है, गुरु में भी ऑप्शन है और क्रियाकांड में भी ऑप्शन है, मगर कुदरत के कानून में ऑप्शन नहीं। और इसीलिए ये कलयुग के अंदर ये जो विज्ञान जो प्रकट हुआ है, ये आप सबका बहुत हाई लेवल का पुण्य है कि ये आपको विज्ञान सुनने को मिलता है। क्या बताया? नहीं तो ये विज्ञान होता ही नहीं है कलयुग में। सब लोग धर्म, संप्रदाय, गुरु और क्रियाकांड की बात करते हैं और करते रहे हैं। आप समझे ना? और ज्यादातर लोग गुरु शिष्य की बात करते हैं। गुरु से समझते हैं ना? यहां ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है। जब आपको कुदरती कानून को समझना है, इनको ही फॉलो करना है, इनको ही अनुभव करना है, इसमें गुरु कौन और शिष्य कौन? इसमें भगवान किसको कहेंगे, गुरु किसको कहेंगे, संस्था किसको कहेंगे, रिचुअल्स किसको कहेंगे? बोलते नहीं है, है? तो ये विज्ञान के अंदर पार्टीशन कैसे बनाओगे? बना सकते हैं? और इसीलिए आप सबका ये सद्भाग्य है कि कम से कम आपको ये विज्ञान सुनने को मिलता है, मगर ये कलयुग का विज्ञान नहीं है। आप समझो ये सतयुग का विज्ञान है और सतयुग में महान पुरुष बिना भेदभाव वाली बातें करते हैं, जिसमें हर व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, हर मान्यता वाले इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उनकी बात सनातन सत्य के ऊपर आधारित होती है, सांप्रदायिक सत्य के ऊपर आधारित नहीं होती है। और इसीलिए राम जब होते हैं तो राम को भी सब मानते हैं, कृष्ण जब होते थे कृष्ण को भी लोग मानते हैं, और महावीर होते हैं तो महावीर को भी सब मानते हैं, क्योंकि ये लोग सनातन सत्य की बात करते थे। किसकी बात करते थे? सांप्रदायिक सत्य की बात। तो ये कलयुग की बात, ये सतयुग की बात है। सतयुग में ऐसे महान पुरुष ये दुनिया का सनातन सत्य बताने की कोशिश करते थे और लोग जितना समझते थे वो उसको पालन करके अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश करते थे। और ये कलयुग में ऐसा विज्ञान नहीं होता है। आप समझे? कोई भी व्यक्ति ये विज्ञान की बात करना चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संप्रदाय वाले तो विज्ञान की
बात कह ही नहीं सकते, नहीं तो उसका संप्रदाय नहीं चलेगा, बोलते नहीं है। अगर कोई भी संप्रदाय वाले ये सनातन सत्य की बात करेगा तो उनका संप्रदाय नहीं चलेगा, इसीलिए वो करते हैं वो तो सब्जेक्ट नहीं है। और कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि ये विज्ञान बिना अनुभव बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये विज्ञान किताबों में नहीं होता है। तो दूसरा और कोई भी बताने की कोशिश करेगा तो भी बिना अनुभव वो नहीं बता सकते। और इसीलिए आप सबको ये विज्ञान सुनने को वो मिला, सुनने को भी मिला, समझना समझ लेना ये आप सबका सद्भाग्य है, नहीं तो ये विज्ञान सुनने को भी नहीं। आप समझे ना, जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया था, उत्तर दे रहे थे और अर्जुन सुन रहा था, उसी समय सामने वाले पक्ष में भीष्म पितामह भी थे, उन्होंने वहां बैठे बैठे कहा कि काश मैं कृष्ण की बातें सुन सकता है, क्योंकि वो विरोध पार्टी में थे तो वहां तो नहीं जा सकते। आप समझे कि नहीं, वो खुद कहते थे कि काश मैं श्री कृष्ण की बात सुन सकता है, मगर नहीं सुन सकते थे, उनको मालूम था वो ज्ञानी है, मगर सबका सद्भाग्य नहीं होता है। और इसीलिए कृष्ण की बात में भी क्या था, विज्ञानी तो था, कोई धर्म संप्रदाय की बात ही नहीं थी, न कोई क्रियाकांड की बात है, आखिर विज्ञानी था, बाद में संप्रदाय बन गया और क्रियाकांड बन गया, उन्होंने तो कभी ऐसी बात नहीं कही थी। मगर इसीलिए मैंने कहा कि सबका ये सद्भाग्य नहीं होता है, और खास करके कलयुग में तो नहीं होता है कि आपको ये विज्ञान भी सुनने मिले, क्योंकि अनुभवी पुरुष ही नहीं होते हैं। ये कलयुग में 99.99% लोग शास्त्र ज्ञानी ही होते हैं। क्या बताया, शास्त्र ज्ञानी, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र समझते हैं और दूसरे को शास्त्र समझाने की कोशिश करते हैं, यही शास्त्र ज्ञानी हमारे समाज में इर्द गिर्द मिलते हैं। आप समझे ना, अनुभव ज्ञानी नहीं मिलते हैं कि जिनके जबान से जो शब्द निकलता है वो शास्त्र बन जाता है। क्या बताया, जिनके जबान से जो शब्द निकलते हैं वो शास्त्र बन जाता है, मगर वो शास्त्र में से नहीं बोलते, अपने खुद का अनुभव की बात करते हैं। तो ये कलयुग में अनुभवी पुरुष को देखना सुनना यही हमारा सद्भाग्य है, नहीं तो संभव नहीं है। आप समझे, अनुभव किताबों में से नहीं आता है। क्या बताया, किताबों के अंदर से नॉलेज आता है, क्या आता है, और किताबों पढ़ने पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, साइंटिस्ट नहीं होते हैं। मगर ये आप सबका ये सद्भाग्य है कि आपको ये अनुभवी पुरुष का दर्शन भी हुआ और उनके मुखारविंद से आपको ये विज्ञान भी सुनने को मिला, नहीं तो नहीं मिलता है, असंभव होता है। क्या होता है, असंभव। और मैं समझता हूं कि अगर आपको ये विज्ञान सुनने को मिला है तो और ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश करो और खुद ही ये दुनिया का सनातन सत्य अनुभव करने की कोशिश करो, क्योंकि ये कुदरत का कानून किसी की मालिकी का नहीं है। और इतना भी ध्यान रखो कि आपके अंदर जो आत्मा है वो ही शक्ति वाला आत्मा राम कृष्ण और महावीर में भी था, तो आत्मशक्ति से आप कमजोर नहीं हो, प्राकृतिक शक्ति से कमजोर हो सकते हैं मगर आत्मशक्ति से कमजोर नहीं है। तो इसीलिए हमको तो कोई माया मारी कुश्ती करनी नहीं है, हमको तो यही आत्मा की हाजिरी में यह दुनिया का सनातन सत्य समझना है, इसमें कोई बाह्य ताकत की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये विज्ञान को समझो,
विज्ञान को उपयोग करो और अनुभव करने की कोशिश करो। हर रोज सुबह टेलीविजन के अंदर सुबह 9:30 अरिहंत चैनल के ऊपर, कौन सा चैनल? अरिहंत चैनल के ऊपर सुबह 9:30 रोज प्रवचन आता है। वो आप सुनना चाहे तो घर पे बैठे ही सुन सकते हैं। और दूसरी बात, YouTube के अंदर अगर आप अध्यात्म विज्ञान शब्द डालोगे या तो कमलेशानंदी शब्द डालोगे तो बहुत सारे वीडियो इसमें आपको मिलेंगे, वो भी आप घर बैठे ही देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आप घर पे बैठे बैठे ही यही विज्ञान को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और सुनने के बाद इसका उपयोग करके अनुभव भी और दूसरों को भी अपना अनुभव बांट सकते हैं कि मैंने ऐसा विज्ञान सुना है और समझा है, इसका जीवन में मैं उपयोग भी करता हूं और मेरे को ये अनुभव भी होता है, तो आप भी यही विज्ञान का लाभ उठाइए। आप समझे? तो यह धर्म संप्रदाय व्यक्ति की बात नहीं है। तो इसीलिए आज अंतिम दिन है तो मैं समझता हूं कि ये विज्ञान जो है वो विज्ञान का महत्व पहले समझो, बिना महत्व इसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी और अगर वैल्यू समझ में नहीं आएगी तो इसका उपयोग भी नहीं करोगे, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? तो वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे आपको वैल्यू समझ में आएगी तो इंटरेस्ट भी आएगा, उपयोग भी रहेगा और अनुभव भी धीरे धीरे होता रहेगा। आप समझे? कहीं लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम तो धर्म के बारे में अपने जीवन में बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन करने की कोशिश करते हैं मगर रहता नहीं है। कोई कहता है मेरे को ध्यान नहीं रहता है, कोई कहता है मैं धर्म की बातों को भूल जाता हूं। लक्ष्मी होती है मगर उपयोग नहीं होती है। तो मैं समझता हूं कि आप सबके पास कॉन्सेंट्रेशन की शक्ति तो है ही, सिर्फ वैल्यू और इंटरेस्ट नहीं है। क्या नहीं है? अगर आप बैंक में जाओगे और बैंक वाला आपको 2000 की नोट का 100 का बंडल देंगे और जब इसको आप काउंट करेंगे तो आपका अटेंशन वहां रहेगा कि नहीं? तो भी कॉन्सेंट्रेशन का पावर तो आपके पास है कि नहीं? मगर और जगह नहीं रहता है क्योंकि बोलिए इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन का पावर नहीं है, वो तो बात ही नहीं है, मगर वैल्यू नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। सिंपल बात है ना? इसीलिए आपके अंदर शक्ति नहीं है वो तो बात नहीं है, है मगर इसको बाहर उठाने के लिए, इसको अनुभव में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये विज्ञान की वैल्यू समझनी पड़ेगी और उसमें इंटरेस्ट डालना पड़ेगा, तो अपने आप उपयोग और अनुभव भी होता रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये विज्ञान धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मेरी भाषा बिल्कुल सरल है। क्या है? मैं कोई शास्त्रोक्त शब्दों का उपयोग नहीं करता हूं और आम लोग जो भाषा बोलते हैं वो ही भाषा का शब्द प्रयोग में करता हूं। और इसीलिए भाषा भी ऐसी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं है। बराबर है कि नहीं? नहीं तो कई पंडित लोग होते तो शास्त्रों का ऐसा ऐसा शब्द बोल देते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता है और दिमाग में से ऊपर से बाहर निकल जाता है। हम तो सुनते रहते हैं मगर समझ में नहीं आता है। तो मेरी तो भाषा भी ऐसी नहीं है। आप समझे ना? आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। आप समझे ना? और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जैसे आप इस विज्ञान को इंटरेस्ट के साथ, वैल्यू के साथ सुनना और समझने की कोशिश करोगे
तो उपयोग भी अपने आप होगा और अनुभव भी अपने आप होगा। आप समझे ना, यहां कोई चमत्कार की बात नहीं होती। ये जो बार बार आपको अनुभव होगा, जो अनुभव शब्द जो बोल रहे हैं स्वामी जी, उसमें क्या अनुभव होगा? इसमें अनुभव ये होता है कि आज तक हमको ये अनुभव होता था कि जो कुछ भी दुनिया का अनुभव किया वो मैंने किया, यानी शरीर के रूप में अनुभव था। क्या था? जो भी अनुभव किया वो किसने किया? मैंने, यानी किसने किया? देखा तो भी मैंने, सुना तो भी मैंने, खाया तो भी मैंने, स्मेल किया तो भी मैंने, क्रिया किया तो भी मैंने, कर्मों की भुगतान किया तो भी मैंने, ये मान्यता थी। अभी ये अनुभव होगा कि मैं शरीर ही नहीं हूं। क्या अनुभव होगा? हर अवस्था में जैसे विज्ञान का उपयोग करते जाओगे आपको मालूम होगा कि ये करने वाला, सोचने वाला, समझने वाला, भुगतान करने वाला मैं हूं ही नहीं, और मैं उससे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। तो ये क्या अनुभव छोटा है? हर अवस्था से अलग रहना, अकिंचन रहना, निर्लेप रहना, असंग रहना, आप समझे ना, यही तो सबसे बड़ा अनुभव है जो बड़े बड़े योगियों को भी होता नहीं है। अनुभव कोई चमत्कार नहीं है। क्या नहीं है? लोग चमत्कार मानते हैं। अनुभव का मतलब क्या होता है? जो रिलेटिव सत्य है उससे मैं अलग रह सकता हूं, बस वो मेरा अनुभव है। रिलेटिव सत्य से मैं अलग रह सकता हूं, बस वो मेरा अनुभव है। दूसरे शब्दों में मान्यता बोलेंगे। रिलेटिव सत्य का मतलब होता है संसार में मैं और मेरा बोलते हैं, वो रिलेटिव सत्य है। आखिर मैं उससे क्या हूं? अलग हूं, क्योंकि मैं अविनाशी हूं और शरीर, शरीर के संजोग भी, शरीर के संबंध भी, शरीर की सत्ता भी, शरीर के साथ जुड़े हुए साधन भी, सब क्या है? सब विनाशी है। और मैं क्या हूं? तो ये विनाशी और अविनाशी को अलग रखना, ये कितना बड़ा अनुभव है। और अनुभव को ऐसा चमत्कार मत समझो। कोई लोग कहेंगे भी अलग रहने से क्या अनुभव हो सकता है? चलो मैं मन वचन काया और उनके व्यवहार से अगर मैं अलग हो गया तो उसमें बड़ा अनुभव क्या होगा हमको? और इस अनुभव को मैं बड़ा क्यों कहूंगा? मैं अगर मन वचन काया से अलग रहता हूं तो ज्ञानी भगवान कहते हैं इस दुनिया के अंदर शरीर के साथ जुड़ के ही हम इस संसार का अनुभव कर सकते हैं। क्या बताया? हाँ, और ये जुड़ना ही तो मान्यता है। क्या है? जुड़ना ही मान्यता। ये मेरा शरीर है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे पति पत्नी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी संपत्ति है। आखिर ये क्या है? मान्यता है। आखिर जो मेरा बोलने वाला है वो मैं हूं ही नहीं। आप समझे ना, अगर ये मेरा बोलने वाला मैं नहीं हूं तो फिर मेरे को राग द्वेष कैसे होंगे? मेरे को क्रोध मान माया लोभ कैसे होंगे? मेरे में अज्ञानता कैसे बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। यही तो विज्ञान है। विज्ञान में कोई चमत्कार की बात नहीं होती है। और इतना जरूर सुनो कि जो व्यक्ति अनुभवी होते हैं इनकी जो भी बात होती है सहज, सरल और सुगम होती है, वो डिफिकल्ट। मगर जो व्यक्ति अनुभवी नहीं है, केवल किताबों की बात करते हैं, वो खुद ही प्रमाण है कि उनको भी अनुभव नहीं हुआ। तो फिर हम अपेक्षा कैसे रखेंगे कि उनके माध्यम से हमको अनुभव होगा? रख सकते हैं? नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। यही तो बड़ी बात है। कितने कितने टेढ़े मेढ़े प्रश्न होते हैं, कितने सारे विकल्प होते हैं, कितने सारे संशय होते हैं, कितने सारे लोग पजल यहां रखते हैं, मगर कोई प्रश्न का उत्तर मैंने कभी टेढ़ा मेढ़ा दिया है, उल्टा सुल्टा दिया है? दिया है कभी?
कोई व्यक्ति गुस्से में आके या उसका अगर अहंकार गवाया है तो कुछ भी बोल सकता है, मगर मेरे को तो सनातन सत्य के बिना कुछ कहना है। आप स्वीकारो या ना भी स्वीकारो, मैंने अपने सत्संग में बहुत बार कह चुका हूं, मैं इस दुनिया में लोगों को खुश करने के लिए नहीं आया हूं। क्या बताया? और ना ही मैं नाखुश करने के लिए आया हूं, मगर मैं इस दुनिया के अंदर दुनिया के लोगों को सनातन सत्य बताने के लिए आया हूं, चाहे स्वीकार करे या ना भी करे। मेरा काम खुश करना और नाखुश करना वो नहीं है। नहीं स्वामी जी, हम लोगों का जो जीवन है, जैसे बहुत सारे जीवन में ऐसा रहता है कि अपमान मिलता है या हानि होता है, तो हम लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होता है। आप तो खैर वहाँ पर बैठ करके बोल दे रहे हैं, सॉरी माफ करिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई बैठ करके बोल दे रहा है, लेकिन रियल लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है ना स्वामी जी, ऐसे कैसे जुटारा सकते हैं ये मन वचन कया से? थोड़ा सा दांत दर्द हो जाता है, थोड़ा सर दर्द होता है, परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है। और ये तो खैर मानसिक हो गया, लेकिन बाहर के संजोग ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे दबाव भरा रहता है, तो वहां पर तो बहुत मुश्किल है। वही बात है, मैंने पहले भी कहा था कि जो सरल है वो मुश्किल लगता है और जो मुश्किल है वो सरल लगता है, यही तो हमारी भ्रांति है। मैं आत्मा हूं और मेरे को आत्मा में निवास करना है, आत्मा का लक्ष्य रखना है, उसमें क्या डिफिकल्टी है वो तो बताओ, कितनी मेहनत है? भूल जाते हैं स्वामी जी। भूल जाते वो छोड़ दो, मगर अगर याद रखना है तो मेहनत कितनी है वो तो बताओ। मैं मेहनत की बात करता हूं। अगर आप कहते डिफिकल्ट किसको बोला जाता है, जो आम आदमी इसको फॉलो नहीं कर सकते वो डिफिकल्ट बोलते हैं। आप कहोगे मेरे को चार्टर्ड अकाउंट बनना है, डिफिकल्ट है, मैं स्वीकार कर सकता हूं। आप कहते मेरे को इंजीनियर बनना है और डिफिकल्ट है, मैं स्वीकार करूंगा, मगर खुद को ही खुद की अनुभूति करनी है, खुद को ही खुद का लक्ष्य रखना है, तकलीफ कहां है? बहुत तकलीफ है स्वामी जी। कैसे नहीं तकलीफ, क्या तकलीफ बताओ ना, मगर भूल जाते हैं वो तकलीफ नहीं है। आप समझो, आपको याद रखने में कौन सी तकलीफ है वो बताओ। भूल जाते वो तकलीफ नहीं है, इसको याद रखने में क्या तकलीफ है वो बताओ। विश्वास ही नहीं होता ना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। वही तो बात है, हम जब शादी करते हैं तो विश्वास नहीं होता है, फिर भी जीवन जीते हैं विद ट्रस्ट, जो भी होगा आगे देख लेंगे। नहीं समझ में आया, क्या करते हैं शादी करते तो गारंटी होता है, बोलते नहीं है। गारंटी तो नहीं होता है, तो वहां विश्वास करते हैं, फिर कितना भी झगड़ा हो जाए। आप देखो, एक अननोन व्यक्ति के साथ शादी करना और 100% विश्वास रखना, क्या बताया? नहीं समझ में आया, और खुद को खुद के ऊपर विश्वास रखना है वो डिफिकल्ट लगता है। नहीं समझ में आया, आप समझो। और किसी के ऊपर रखना है तो डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जान सकते भाई आज हमने शादी की है कैसे मालूम उनका स्वभाव क्या है, उनकी प्रकृति कैसी है, वो कब क्या करेंगे मालूम है किसी को? फिर भी मान रख सकते हैं। और यहां आत्मा हमारे सामने कभी नहीं हो सकता है, हमारे विरुद्ध नहीं हो सकता है, आप समझे, और वो खुद ही चेतन है, वो खुद ही अनंत शक्ति वाले है, तो उसको लक्ष्य में रखना वो डिफिकल्ट लगता है। वहां पर तो स्वामी जी आप बोल रहे हैं, दिखता तो नहीं है ना, यहाँ पर तो दिखता है कि मेरी पत्नी है, मेरे पिताजी हैं, वहां पर तो दिखता ही नहीं है ना। बस ये बहुत बड़ी बात है आपने कि दिखता नहीं है, और यही बात है कि आज तक हमने जो मंदिर में भगवान माना वो भी दिखता नहीं है, हम मानते हैं। क्या बताया? हम मानते हैं दिखते नहीं है, न कभी बोलते हैं, न कभी सुनते हैं, न कभी कोई व्यवहार करते हैं, न कुछ लेते हैं, न कुछ देते हैं, मगर हम मानते हैं ना कि वो भगवान है जी। आप समझे, मान्यता ही है ना, जो भी दुनिया चलती है कि नहीं, तो ये नहीं दिखता है तो मानने में क्या तकलीफ है?
दिखते हैं, राम कृष्ण महाराज दिखते नहीं, हम ही तो मानते हैं ना, हम ही मानते हैं ना। समझ में आया कि नहीं? हम मंदिर कोई भी मंदिर में जाएंगे तो जो मूर्ति होगी, मूर्ति वो कौन बनाएगा? मूर्तिकार बनाएगा। मूर्तिकार कहो, शिल्पकार कहो, हमारे गुजरात में इसको सोमपुरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमपुरा। शिल्पकार भी बोल सकते हैं। तो शिल्पकार मूर्ति बनाते हैं, हम इसको पत्थर देते हैं, वो मूर्ति बना देते हैं। एक ही पत्थर है, 6x3 फीट का पत्थर है, और हमने कहा उसमें से राम की मूर्ति बना दो तो राम की बना देंगे। फिर कहो नहीं कृष्ण की बनाना है तो वो भी बना देंगे। फिर कहो वो भी नहीं बनाना है, महावीर की बना दो तो वो भी बना देंगे। फिर कहो नहीं शिवलिंग बना दो तो वो भी बना देंगे। नहीं समझ में आया? पत्थर एक, शिल्पकार एक, जो चाहे वो बना देता है, और जो बना के हम मंदिर में रखे फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो बाद में भगवान मानते हैं। बनाया भी हमने, प्रतिष्ठा भी हमने किया, मानना भी हमको है। नहीं समझ में आया? ऊपर से तो कोई आया नहीं है, शिल्पकार भी यहाँ का, पत्थर भी यहाँ का, ऑर्डर भी हमारा, स्थापना भी हमने किया, पूजा भी हम करते हैं, मानते भी हम हैं, विरोध भी हम करते हैं, हमने ही तो बनाया है ना। वो राम कृष्ण महावीर तो है नहीं ना, हमारी सिर्फ मान्यता है ना। आज जितनी मूर्ति है वो ओरिजिनल भगवान की मूर्ति है, ऐसा तो कोई प्रमाण है नहीं। अब समझे कि नहीं? मगर हमारी मान्यता है, एक श्रद्धा का स्थान है, उसमें हम मना, मगर उसको भी हम कैसे मानते हैं? शरीर से भी ज्यादा मानते हैं। तो हमको यह समझना है कि हम आत्मा को क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये शरीर का अस्तित्व ही मेरे लिए है। अगर ये निकल गया तो उनका अस्तित्व, फिर मैं कहूंगा कि जिससे आधार से इसका अस्तित्व है, तो अस्तित्व वाला क्या बोलता है? मैं आपको नहीं मानता हूं। भैया परमात्मा कहते हैं अंदर बैठे हुए भी, मेरा अस्तित्व से आपका अस्तित्व है, आपका अस्तित्व से मेरा अस्तित्व, आप मिट जाओगे फिर भी मैं रहूंगा। नहीं समझ में आया? तो जिनके अस्तित्व से ये शरीर का अस्तित्व है, तो शरीर कैसे बोल सकता है कि मैं आपके अस्तित्व को नहीं मानता हूं? आप समझे कि नहीं समझे? अगर मैं आत्मा को अस्तित्व को नहीं मानूंगा तो पुनर्जन्म कैसे होगा, कैसे होगा? क्योंकि इसको तो जला दिया जाएगा तो पुनर्जन्म कैसे होगा? आत्मा है तभी पुनर्जन्म होगा ना, शरीर का तो नहीं होता है। आत्मा है तभी तो कर्म सत्ता काम करती है ना, कर्म का कानून काम करता है ना, तो कैसे करेगा? ये बॉडी को जला दिया गया, अभी आपने जो कर्म किया है तो भुगतान के लिए बॉडी भी चाहिए ना, तो आत्मा तो वही रहेगा। तो आत्मा है इसके तो कितने प्रमाण है। आत्मा नहीं है तो बॉडी तो जड़ है। तो आत्मा की प्रशंसा करने या शंका करने का तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हम खुद हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये हिंदी सत्संग में आया नहीं था क्वेश्चन, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो बोले आत्मा मैं हूँ, लेकिन और फिर मेरे भीतर आत्मा है, एक तरफ ये शब्द आता है कि मैं आत्मा हूँ, दूसरे तरफ आता है कि मेरे भीतर आत्मा है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए स्वामी जी। मैं आत्मा हूँ और मेरे भीतर आत्मा है, जैसे मैं शरीर हूं, वो कहने वाला मानने वाला शरीर नहीं है। क्या बताया? वो शरीर नहीं है ना, और मैं आत्मा हूं वो भी मानने वाला आत्मा नहीं है। ये मानने वाला दोनों के बीच में है, अहंकार है। क्या है? अहंकार। अहंकार के पास जब अज्ञान होता है तो कहता है मैं शरीर हूं, और अहंकार के पास विज्ञान होता है तो कहता है मैं आत्मा हूं।
मगर अहंकार न शरीर है न सिर्फ मान्यता है, क्या है? और मान्यता के आधार से उसको ज्ञान और अज्ञान बताते हैं। समझ में आया? शरीर को ज्ञान नहीं होता है और शरीर को अज्ञान भी नहीं। ये तो जड़ है, क्या है? जड़ को ज्ञान नहीं होता है और जड़ है इसीलिए उसको जलाया जाता है, चेतन को जलाया नहीं जाता है, तो इसको तो ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान किसको होता है? लाइव अहंकार, जीवन जीवित अहंकार, जिसका दूसरा नाम है प्रतिष्ठित आत्मा, आप समझे ना? जिसका तीसरा नाम है मिश्र चेतन। क्या बताया? मिश्र चेतन। वो भी व्यवहार आत्मा, उसी को कहेंगे हैं, उसी को व्यवहार आत्मा भी कहेंगे। इसको व्यवहार आत्मा बोलते हैं। व्यवहार आत्मा मतलब आत्मा नहीं है फिर भी वो आत्मा जैसी सब क्रियाएं करता है, तो इसको व्यवहार आत्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठित आत्मा को व्यवहार आत्मा नहीं बोलते हैं, इसको मिश्र चेतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप समझे ना? तो जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो लाइव अहंकार है, इसको ही अज्ञान के रूप में मानता था कि मैं शरीर हूं आत्मा होते हुए भी। अभी उसको ही ज्ञान हुआ, उसको ही दृष्टि मिली कि मैं शुद्धात्मा हूं। इनको ज्ञान अज्ञान नहीं होता है, आप समझे कि नहीं समझे? इनको ज्ञान अज्ञान नहीं होता है, ज्ञान अज्ञान प्रतिष्ठित आत्मा को होता है। तो हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर आत्मा है, ये सब कुछ बोलने वाला जानने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है। क्या बताया? प्रतिष्ठित आत्मा है। मूल आत्मा बोलता नहीं है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर भी नहीं बोलता है कि मैं शरीर हूं। ये दोनों की मान्यता किसके पास है? प्रतिष्ठित आत्मा के पास। समझ में आया? नहीं, मेरे भीतर जैसे अप्रतिष्ठित आत्मा ही वो बीच वाला भाग वो बोल रहा है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ठीक है। फिर मेरे भीतर मेरे है अंतर्यामी परमात्मा, तो वो जो मूल आत्मा है उसके लिए इंगित करता है, मतलब है कि प्रतिष्ठित आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो परमात्मा को प्रार्थना करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं तो आत्मा नहीं हूं, मगर मेरी बिलीफ था पहले कि मैं शरीर हूं, अभी बिलीफ हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। और वो शुद्ध आत्मा को प्रतिष्ठित आत्मा प्रार्थना करता है, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा शुद्ध आत्मा नहीं है, आप समझे ना? उनकी मान्यता है। क्या बताया? मान्यता है। इसी को पुरुषार्थ कहेंगे। और फिर ये मानते मानते क्या होगा आगे, जैसे डेवलपिंग में, जैसे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत सुख का नाम हूँ, एक्चुअल में वो है ही नहीं, है कि नहीं? लेकिन वो जो प्योर सोल है उसके जैसा बोलता है कि मैं हूँ, पहले शरीर के जैसा, शरीर मतलब जो भी है उस तरह का है, तो अभी ये बोल रहा है कि मैं मूल आत्मा के जैसा, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, तो इससे फिर डेवलप होते जाता है और बाद में फिर दर्शन को खुला करते, अपने दर्शन का उपयोग करते जाता है, फिर वो डेवलप होते जाता है, यही कहना चाह रहा है। और डेवलप होते होते फिर क्या हो जाएगा? मान लिया जाए प्रतिष्ठित आत्मा फुल डेवलप हो गया, मूल आत्मा के जैसा ही वो, जैसे मूल आत्मा के जैसा ही हो जाता है क्या? जैसे अभी मानने वाला शरीर के जैसा तो नहीं है, शरीर का जैसा अनुभव करता है, तो उसी तरह जो अहंकार है वो आत्मा के जैसा ही, आत्मा का अनुभव उसी को बोला जाएगा। जैसे मैं अभी बीच वाला भाग है शरीर का अनुभव करता हूँ, दुख का अनुभव करता हूँ, ठंडी का अनुभव करता हूँ, गर्मी का अनुभव करता हूँ, तो वही बीच वाला भाग आत्मा का अनुभव क्या कैसा करता होगा? देखो मैं बताऊं कि मान्यता क्या चीज है। मान्यता से ही, रॉन्ग मान्यता से ही राग द्वेष होते हैं, रॉन्ग मान्यता से ही कर्म खड़े होते हैं, और रॉन्ग मान्यता से ही कर्मों की भुगतान होती है।
अगर वही रॉन्ग मान्यता निकल जाएगी और राइट मान्यता बैठ जाएगी तो वही राग द्वेष नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे और उसके भुगतान भी नहीं होगी। आप समझे? तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप सब समझ सके ऐसा कि रॉन्ग मान्यता क्या काम करती है। जैसे हम ये मकान के मालिक हैं और ये मकान में रहते हैं, दो मंजिले का मकान है, उस मकान में हम रहते हैं और दोपहर 12-1 बजे एक 15 साल का बच्चा वहां से गुजरता है और उन्होंने पत्थर लेके हमारे घर का एक शीशा तोड़ दिया। क्या बताया? शीशा तोड़ दिया। हमने विंडो में से बच्चे को देखा, क्या होगा? द्वेष होगा। थोड़े समय के बाद हमने ये मकान को बेच दिया और बिल्कुल सामने, ये मकान के बिल्कुल सामने हमने दूसरा दो मंजिले का मकान खरीद लिया और वो मकान में रहने के लिए चल गए। अभी वहां रहते हैं और 15 दिन के बाद वही लड़का दूसरी बार आया उसी जगह पे, उन्होंने वही मकान का दूसरा शीशा तोड़ दिया और हमने ये मकान में से लड़के को देखा। अभी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बोलिए, कुछ नहीं होगा। मकान भी वही है, तुम भी वही हो, लड़का भी वही है और क्रिया भी वही है। हाँ या ना बोलो ना। हाँ। पहले जो था वही है ना, पहले भी आप थे, मकान भी था, लड़का भी था और तोड़ने की क्रिया थी। आज भी वही लड़का है, आप भी वही है, मकान भी वही है और क्रिया भी वही है। पहले हुआ अभी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मेरा बल नहीं उसमें। बोलिए, तो जब शरीर में से माली की भाव निकल गया तो क्या होगा? बोलते नहीं है तो वही तो हमको कर रहे हैं कि नहीं? आखिर अज्ञानता ही तो मिटा रहा है, क्योंकि अज्ञानता से ही तो राग द्वेष है ना, और वही को मिटाना है तो इसके लिए क्या चाहिए? रॉन्ग बिलीफ को मिटाना पड़ेगा ना। और रॉन्ग बिलीफ तब मिटेगी जब राइट बिलीफ मिलेगी। तो जब राइट बिलीफ नहीं मिलेगी तो रॉन्ग बिलीफ कैसे मिटेगी? समझ में आया कि नहीं? तो ये परिवर्तन छोटा नहीं है, ये समझोगे तो मालूम होगा। ये शब्दों की करामत नहीं है, ये दृष्टि की करामत है। किसकी है? और जैसी दृष्टि वैसी, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि नहीं, जैसी दृष्टि वैसी, तो कीमत किसकी है? और यहां दृष्टि परिवर्तन की बात कहा मैंने, क्रिया परिवर्तन की बात तो इतनी बड़ी दृष्टि देखो, इच्छे जो देखो। सिंपल बात यह है कि सामान्य व्यक्ति को ये दृष्टि परिवर्तन क्या चीज है वो मालूम नहीं होता है, इसकी वैल्यू मालूम नहीं होती है। आप समझे? मगर जैसे लोग मार खाएंगे, आप घर में बैठे शांति से बैठे, छुट्टी का दिन है, चाय बाय पी के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, आनंद से बैठ रहे हैं, बैठे हैं घर के अंदर, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झंझट नहीं है, शांति से घर पे बैठे हैं। एक घंटे के बाद फोन आया कि तुम्हारे भाई रमेश का एक्सीडेंट हो गया। क्या फोन आया? तुम्हारे भाई रमेश का एक्सीडेंट हो गया। अभी क्या होगा? दृष्टि विचलित हो जाएगी।
हाँ तो क्या क्या बात चलती थी? रमेश का एक्सीडेंट हुआ ऐसा आपने सुना है, वो आपका भाई है, वो फोन से मैसेज आया। कैसे आया? आपने अभी देखा नहीं, मगर ये मैसेज आया। अभी क्या होगा आपको? बोलिए, परेशान। अभी ना आपके सामने रमेश है, और रमेश को क्या तकलीफ है वो भी आपने देखा नहीं। सिर्फ मैसेज से इतना इफेक्ट हुआ, क्योंकि बिलीफ में ये है कि ये मेरा भाई है, इसलिए इफेक्ट हुआ ना। बोलते नहीं है रोज, कई लोग मरते हैं, हमको इफेक्ट होती है नहीं। क्यों नहीं होती है? अपना नहीं, अपना अपन नहीं। तो हम तो फिर अपनी वाइफ को कहा, देखो वाइफ को एक्सीडेंट हुआ है तो हमको जाना पड़ेगा, तो तैयार हो जाओ। फिर उसको फोन बंद करके निकलते, वो कहाँ है, हॉस्पिटल में कहाँ है, मगर पहले तैयार हो जाओ क्योंकि जाना तो है ही। तो वो तैयार होने लगे दोनों, हस्बैंड वाइफ, लेडीज ने भी जो घर का कारोबार था सब समेट लिया और तैयार हो गई, जेंट्स भी सब तैयार हो गए। फिर फोन किया भाई को कि भैया आप कौन से हॉस्पिटल में है, मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। उनकी वाइफ को फोन किया, भाई को तो नहीं फोन करते थे, तो वाइफ को फोन किया। तो वाइफ ने बोला कि किसने कहा आपको कि आपके भाई को एक्सीडेंट हुआ? तो बोला उसने कहा, वो मित्र का नाम भी बताया। तो बोला नहीं नहीं, उसको एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो तो आपके वो आपके भाई नहीं है, वो तो दूसरा है रमेश, उसको एक्सीडेंट हो गया है। नहीं समझ में आया? फिर क्या होगा? परेशानी खत्म होगी, शांति आ। तो ये मान्यता है कि और कुछ है? वास्तविकता में कुछ है? नहीं। तो मान्यता में कितना पावर है बोलिए? बहुत ज्यादा है कि नहीं? और ये दुनिया ऐसे अज्ञान मान्यता से चलती है, मगर जिस दिन आपको मालूम हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, तो शरीर का जो भी प्रॉब्लम है वो आपका प्रॉब्लम चुका। तो क्या ये दृष्टि छोटी दृष्टि है? अनुभव करोगे तब मालूम होगा। शब्दों में तो सिंपल लगती है, अनुभव करोगे तो मालूम होगा। आप समझे? इसी को दिव्य चक्षु बोलते हैं। दिव्य चक्षु कहो, दिव्य दृष्टि कहो। अभी मैं कागज लेता हूं, बैठ के बोलिए, कोई बात नहीं। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आपने कहा कि ये शरीर में जो आत्मा है जिसे शाश्वत बोलते हैं, निर्विकार बोलते हैं, तो इसकी स्थिति हमारे शरीर में कहाँ पे होती है, उसकी अनुभूति कैसे होती, किससे होती है? शरीर के माध्यम से ही उसकी अनुभूति की जा सकती है, क्योंकि शरीर के जो भी क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही साधन पांच तत्व का साधन इस शरीर में है, तो उसकी स्थिति हमारे शरीर में उस शुद्ध आत्मा की स्थिति किस जगह होती है? लबालब है कि कहीं किसी कोने में है वो? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आपने कहा कि ये मेरी वाइफ है, वो वाइफ हाथ को कहते हैं, पांव को कहते हैं, सर को कहते हैं, किसको कहते हैं? बोलिए। पूरे शरीर को कहते हैं। पूरे शरीर को कहते हैं। ऐसा आत्मा भी पूरा है और शरीर भी पूरा है, क्या बताएं? दोनों कंप्लीट है, शरीर के हिसाब से शरीर कंप्लीट है और आत्मा के हिसाब से, मगर दोनों एक ही जगह पे है, क्या बताया? दोनों एक जगह पर। हाँ, तो आपका शरीर है, इसके अंदर आपने कपड़ा पहना है, उसके अंदर 2000 रुपया की नोट है, तो नोट भी कंप्लीट है, कंप्लीट है, और आपका ये शर्ट भी कंप्लीट है, दोनों कंप्लीट है, मगर शर्ट के अंदर नोट है, तो नोट आधी नहीं हो जाती है। बोलते नहीं है? ठीक है, उनका भी रोल है, इनका भी रोल है, तो शरीर भी वही है और इसके अंदर आत्मा भी है, दोनों का अस्तित्व अलग है मगर साथ में रहते हैं,
क्या रहते हैं? साथ में। क्योंकि कुदरत का कानून ऐसा है कि जो आत्मा की हाजिरी में कर्मचार्य करते हो उसी आत्मा की हाजिरी से ही कर्म का डिस्चार्ज होता है। समझ में आ गया? तो आत्मा के पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो आत्मा की हाजिरी से वो नर्क गति का कर्म बनाएंगे प्रतिष्ठित आत्मा, तो आत्मा को भी नर्क गति में जाना पड़ेगा, उसमें कोई पसंदगी नहीं है। मगर आत्मा को भुगतान नहीं होता है, सिर्फ हाजिरी। क्या बताया? उनके बिना भुगतान हो नहीं सकता है और वो भुगतान का अनुभव कर भी नहीं सकता है, हो भी नहीं सकता है और कर भी नहीं सकता है। ठीक सर, एक क्वेश्चन और जिज्ञासा नहीं रही। जहां तक आपको समझ में नहीं आए वहां तक प्रश्न करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जिज्ञासा, जैसे कि अभी कहा कि इस शरीर में जो आत्मा है लवालब है, हर जगह है, हर जगह, तो ये शरीर भी पंच तत्व का बना हुआ है। जी, जी, जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम, इसलिए कहा गया कि नाशवान है ये शरीर, नष्ट होता है। तो क्या वो लबालब भरा हुआ शुद्ध आत्मा ये पांच तत्वों से अलग हो जाता है? बताओ। देखो, आत्मा का स्थान हमारे शरीर के अंदर नाभि कमल में है। क्या बताया? मैंने पहले या दूसरे दिन बताया था कि आत्मा का स्थान इस शरीर में नाभि कमल में है। और उत्तर तो पूरा करने दो। आत्मा का स्थान नाभि कमल में है और इसका जो रेडियस है प्रकाश का वो बॉडी के प्रमाण होता है, जैसे चींटी में उसी प्रमाण से होता है और हाथी में इसी प्रमाण से होता है। मैंने पहले ही दिन मटकी का और बल्ब का एग्जाम्पल दिया था, शायद अगर आपको याद है तो। तो बल्ब की साइज छोटी बड़ी नहीं होती है, वो फिक्स है, मगर प्रकाश की रेडियस छोटी बड़ी हो सकती है। जितनी आपकी अवगाहना रहेगी वहां तक प्रकाश फैलेगा, तो चींटी में इतना फैलेगा और हाथी में, मगर आत्मा की साइज छोटी बड़ी नहीं होती है। आप समझे? तो आत्मा का स्थान नाभि कमल में है और उसकी प्रकाश की जो रेडियस है वो बॉडी के आधार से होती है। समझ में आ गया? अभी पूछे। ठीक है, क्लियर हो गए। उत्तर नहीं सुनोगे तो मैं क्या करूंगा? उत्तर तो जब मैं आपका प्रश्न शांति सुनता हूँ तो उत्तर भी तो सुनना पड़ेगा। मेरी कहने की स्टाइल, मैंने पहले दिन कहा था कि मैं जो भी उत्तर दूंगा वो ऐसा नहीं दूंगा कि सिर्फ आपके लिए, मगर इसके माध्यम से टीवी के लाखों लोग सुनेंगे, उनको भी प्रश्न का समाधान होना चाहिए, उस एंगल से मैं उत्तर देता हूँ, सिर्फ आपको समाधान देने के लिए नहीं देता हूँ। तो मेरी दृष्टि में मेरा उत्तर परिपूर्ण होगा तो कोई भी एंगल से वो समझ सकता है। ये मेरा नहीं, मेरी दृष्टि या मेरी सोच रहती है। आप समझे? स्वामी जी, जो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते हैं, जैसे आपने बताया कि नाभि कमल है, और तो ये मूल आत्मा का निवास तो नाभि केंद्र पे है, लेकिन जो ऊपर के जो केंद्र और भी हैं, अनाहत विशुद्धि आज्ञा और सहस्त्र, तो जो ध्यान का केंद्र बनता है या जो प्रेक्षा ध्यान करवाते हैं वो किस ढंग से करवाते हैं, उसके लाभ क्या हैं? वो डेवलपमेंट का स्टेटस है। जैन धर्म में 14 स्टेप बताए और वेदांत में 8 स्टेप बताए, सबका मीनिंग एक ही है, डेवलपमेंट का है। नाम कोई भी दे दो, 8 करो, 12 करो, 14 करो, कोई मीनिंग नहीं है, उस डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट का नाम बता दिया। नाम नहीं है तो भी डेवलपमेंट तो है, डेवलपमेंट तो प्रश्न नाम का नहीं है, मगर दिखाने के लिए समझाने के लिए टाइटल दे दिया, तो इसमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आप चक्रों की बात करो या आप जैन धर्म के अंदर जो गुंठाड़ा बताए उसकी बात करो, दोनों एक ही बात है। डेवलपमेंट का नाम है सिर्फ, क्या है? नाम नहीं है तो भी डेवलपमेंट तो आपका है। आप समझे ना? तो आप लोग गुमराह हो जाते हैं और कुछ नहीं है। तो आत्मा का आप देखो, डेवलपमेंट आत्मा का नहीं होता है, आत्मा तो संपूर्ण ही है। डेवलपमेंट अज्ञानता का नाश का है। किसका है? अज्ञानता की नाश। अज्ञानता जितने नाश किया इतना आपका डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट का मतलब क्या, मैं सिंपल भाषा में बताऊं ताकि आपको मालूम हो। जैसे आपका मकान 14 मंजिले का है, अभी आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं तो कितना दिखेगा? ग्राउंड इतना आधार से आपको दिखेगा ना। फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो ज्यादा दिखेगा, फिर सेकंड पे जाओगे तो और ज्यादा दिखेगा, पांचवें स्टेप पे जाओगे बहुत दूर तक दिखेगा, दसवें मंजिल पे जाओगे तो और बहुत ज्यादा, और चौदहवें मंजिल पे जाओगे तो पूरा पूरा दिखेगा। बस वही है वो डेवलपमेंट। जैसे जैसे अज्ञान नाश होगा आपकी रेडियस बढ़ती जाएगी, और जब संपूर्ण अज्ञान नाश हो गया तो पूरे ब्रह्मांड दिखने लगा, इसको कहते हैं केवल ज्ञान, फिर कोई बाकी नहीं रहता है। तो ये शास्त्रों की, मैंने कहा ना, शास्त्रों की भाषा आम लोगों को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हजारों साल पहले लिखा गया शास्त्र है और वो भी अनुभवी पुरुष के जो बताया है, तो लिखने वाले अनुभवी नहीं थे, मगर लिखने वालों ने एक धार्मिक श्रद्धा के आधार पर ये सब बातें लिखी है ताकि लोग इसको फिजिकल फॉलो करें, मगर ये फिजिकल फॉलो की बात नहीं थी, मगर ये कैसे समझाएं, क्योंकि अनुभवी पुरुष तो आए नहीं, तो बोलते आप ऐसे करोगे तो आपका चक्र हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये क्रिया की बात नहीं है, नहीं। आप समझो, कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम ध्यान लगा के बैठते हैं तो हमारी प्रगति होगी कि नहीं। मेरे पास ध्यान शब्द है वो आंखें बंद करो या खुला रखो वो सब्जेक्ट नहीं है, आप समझे। ध्यान का मतलब होता है यू हैव टू पे अटेंशन। भी आप गाड़ी चलाओ तो बोलता है ध्यान से चलाओ, भी पढ़ाई करते हैं तो बोला ध्यान से पढ़ाई करो, भी बिजनेस करता है तो कहता है ध्यान से करो, भी जॉब करता है तो बोला ध्यान से करो, भाई रसोई पकाती है लेडीज तो बोला ध्यान से पकाओ। तो ध्यान कोई करने की चीज थोड़ी है, ध्यान का मतलब होता है जो भी करो वो अटेंशन के साथ करो। अगर आप खाना पकाओगे फिर मोबाइल में चले जाओगे तो जल जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि ध्यान नहीं रहा, ध्यान नहीं। तो उसमें ध्यान का इतना बड़ा महत्व क्यों बना दिया है? ध्यान का मतलब होता है यू हैव टू पे अटेंशन। अगर आपको आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा को ध्यान, आत्मा को लक्ष्य में रखो, इसका ध्यान में रखो कि भाई मैं शुद्ध आत्मा हूं, भले शरीर है, शरीर की क्रिया है, शरीर का भुगतान है, मगर मैं कौन हूं? शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो ध्यान में रखो बस। तो इसमें चमत्कार की बात कहां आ गई? कोई त्याग कुछ छोड़ने की बात आई कहां? मगर फिर क्या हुआ, पहले जमाने में जो साधु संत सन्यासी लोग योगी लोग थे वो जंगलों में जाके आंखें बंद कर ध्यान करते थे, तो लोगों को लगा हम भी ऐसा ध्यान करें, हालांकि उसको मालूम नहीं है कि ये लोग आंखें बंद करके अंदर संशोधन करते थे। नहीं समझ में आया? हम तो क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं, किस कोई कहता है मेरे को कृष्ण दिखता है, कोई कहता है मेरे को राम दिखता है, कोई कहता है मेरे को महावीर दिखता है, कोई कहता है शिवलिंग दिखता है, कोई कहता है मेरे को ज्योत दिखती है, कोई कहता है मेरे को गुरु दिखता है, ये ध्यान है, आप समझे कि नहीं? तो ध्यान कितने लो लेवल का बना दिया, वो ध्यान नहीं है, वो तो आपको यहां से अटेंशन उठा के यहां रखोगे तो थोड़े समय के लिए शांति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शांति। भी संसार से उठा के गुरु में रख दिया, भगवान में रख दिया, कोई मंत्र में रख दिया, ज्योत में रख दिया, उस समय आप वो संसार भूल जाओगे तो आपको शांति का अनुभव होगा, इसको लोग ध्यान बोलते हैं। मगर मैंने कहा अगर आपको टीवी सीरियल देखोगे अच्छी सीरियल तो भी संसार भूल जाओगे, भूलते नहीं है, तो दोनों इक्वल हो गए ना, रिजल्ट तो एक ही है, यहां भी दुनिया भूल गई, यहां भी भूल गए। एक व्यक्ति को बहुत बीमारी थी, यहां जॉइंट पे बहुत बीमारी थी, और डॉक्टर को फोन करके बताया कि डॉक्टर मेरे को पेन बहुत होता है, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं धीरे धीरे पेन खत्म हो जाएगा, मैं आपको गोली देता हूं वो ले लेना। तो फोन रख दिया और डॉक्टर ने जो लिखाया वो लिख लिया, फिर भाई साहब बैठे एक घंटे दो घंटे के बाद में मैं गोली लेने के लिए जाऊंगा, फिर बैठे 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 फिर क्रिकेट आई, वर्ल्ड कप चलता था, इसमें भारत देश था, तो वो चार घंटा वर्ल्ड कप देखा तो दुख खत्म हो गया। अभी इससे बढ़िया ध्यान कौन सा हो सकता है? मगर जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ
हुआ तो कीर्तन आ गया। तो ये चमत्कार नहीं है, इसके पीछे साइंस है। मेरा ही कहने का मतलब है, मैं किसी को किसी की वैल्यू कम नहीं करना चाहता हूँ। आप आंखें बंद करके किसी भगवान का, गुरु का, ज्योत का, मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, मगर वो क्या है, एकाग्रता है। क्या है? एकाग्रता। इसे आत्मा से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? आत्मा से कोई मतलब नहीं है। वो आपको शांति के लिए अच्छी बात है, वो एक प्रकार की मेडिसिन है। मेडिसिन समझा ना जी, जहां तक बाहर से नहीं मिले वहां तक अंदर से ले लो, बस। आप समझे ना, ध्यान का मतलब होता है कि या तो मैं शरीर हूं वो ध्यान, वो भी ध्यान है, या तो मैं आत्मा हूं वो लक्ष्मी रखू, वो भी ध्यान है। अगर मैं शरीर हूं ऐसा ध्यान रखूंगा तो राग द्वेष तो होगा ही, कर्म तो बनेगा ही, क्योंकि मेरे ध्यान में मैं क्या हूं? शरीर हूं। तो संजोग भी आएंगे अच्छे या बुरे, तो राग द्वेष भी होते रहेंगे। मगर मेरे लक्ष्य में आएगा कि मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ध्यान रहेगा, तो जो इनको जो भुगतान आएगी इसकी असर मेरे को नहीं होगी, तो राग द्वेष भी नहीं होगी। बस इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है। तो जो बात सिंपल है वो शास्त्रों ने इतनी गौर तोड़ मरोड़ के रख दिया कि आम आदमी समझ ही नहीं सके। और इसीलिए ज्यादातर धर्म गुरुओं ने आध्यात्म मार्ग को गूढ़ मार्ग बताया। क्या बताया? क्योंकि वो खुद नहीं समझ सके तो आपको कैसे समझाएंगे। तो क्या बोल दिया? गूढ़ मार्ग। वो आपको अभी काम का है? नहीं। यही बताएंगे ना? मैंने कहा नहीं, मुक्ति का मार्ग सहज है, सरल है और सुगम है। धार्मिक मार्ग और सांसारिक मार्ग डिफिकल्ट हो सकता है। क्या बताया? धार्मिक और सामाजिक मार्ग डिफिकल्ट हो सकता है, आध्यात्म मार्ग डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। अगर अनुभवी पुरुष समझाते हैं तो, नहीं तो डिफिकल्ट है, नहीं तो डिफिकल्ट है। तो जो सीधी बात है इसको तोड़ मरोड़ के बताया, और जानबूझ के नहीं बताया है। इनको जब अनुभव नहीं तो क्या बताएगा? क्या बताएगा? यही बताएगा। तो अनुभव की कमी की वजह से वो बोलता है, वो जानबूझ के नहीं बोलता है। आप समझे? तो जैसे जैसे समझ में आएगा तो आपको मालूम होगा कि यहाँ तो कोई ऐसी रहस्य जैसी बात ही नहीं है, ये तो सिंपल बात है। मेरे पास बहुत आते हैं, आपने कहा विपश्यना होता है, फिर प्रेक्षा होता है, प्रेक्षा ध्यान होता है, विपश्यना होता है, फिर लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करते हैं हम, कोई ज्योत का ध्यान करते हैं, कोई मंत्र का करते हैं, सब अपने अपने तरीके से सही है। आप समझे? कोई लोग कहते हैं कि स्वामी मैं तो आंखें बंद करके अपने विचार को देखता रहता हूँ। क्या कहते हैं? विचारों का दर्शन करता हूँ। हाँ, तो मैंने कहा अच्छी बात है, आप विचारों का दर्शन, जैसा दर्शन करोगे वैसा आप खो जाओगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आपको जब विचारों को देखना है तो फिर विचार रूप बन जाओगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप विचार तो मन का स्वभाव है, चलता रहेगा। मैं मन से मुक्त हूँ, वचन से मुक्त हूँ, काया से मुक्त, ऐसा शुद्धात्मा हूँ, उसमें आप रहो। विचारों में रहने से क्या फायदा? वो तो आएंगे और जवान भी निकलेंगी और शांत हो जाएगी, क्रिया भी चलेगी और बंद हो जाएगी। जो खुद टेम्पररी है इसमें अपने को फोकस देने की क्या जरूरत है? हम खुद परमानेंट हैं, तो उसमें फोकस नहीं रखें, इसमें रखें। तो बात समझनी है। क्या है बात समझनी? तो जैसे अपन एकांत में रहते हैं, शांत अवस्था में रहते हैं, तो उस समय जो विचार चल रहे हैं उनका दर्शन करना चाहिए, मतलब गेयर बना के उसको दर्शन देखना चाहिए कि नहीं? कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आता है जाता है, बस बहुत हो गया। मेडिसिन की तरह उपयोग करना है तो कर सकते हैं। क्या बताया? मेडिसिन की तरह। आत्मा के लिए नहीं, मेडिसिन किसके लिए होती है? शरीर के लिए। मन वचन काया के लिए होती है। किसके लिए होती है? अगर मेरा मन घूमता है तो कोई मेडिसिन ले लो कि भाई मैं भगवान को मानता हूँ तो भगवान को कॉन्शियस करूँ, एक कल्ला या उसका नाम की माला गिनूंगा तो शांति हो जाएगी। इट्स अ गुड मेडिटेशन, मेडिसिन फॉर माइंड। मैं मना नहीं करूंगा, दवा लेने का सबको अधिकार है, मगर दवा को आत्मा के साथ मत जोड़ो। आत्मा में कोई बीमारी नहीं,
उनको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ये मन वचन का है, बीमारी है, उसका उपाय करने के लिए मेडिसिन लेते हैं तो कोई गलती नहीं, मगर उनको आत्मा के साथ नहीं जोड़ना, मत जोड़ो बस। अगर उनको ये शरीर मेरा भारी हो गया है, गैस हो गया है, चर्बी बहुत हो गई है, तो मैं चार दिन रहूं खाऊं नहीं खाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं उपवास करता हूं आत्मा के लिए। आत्मा से मतलब क्या है नहीं समझ में आया, तो बात इनसे क्यों जोड़ देते हो, आप समझे कि नहीं। मगर क्या है, हमारी धार्मिक परंपरा ऐसी बनी हुई है कि लोग जोड़ देते हैं। अभी बारिश की मौसम है, बारिश की मौसम खत्म हो जाती है, फिर आता है नवरात्र, आता है कि नहीं, तो लोग कहते हैं माता जी की भक्ति करते हैं। ठीक है, माता जी के नाम पे भक्ति करते हैं तो अच्छी बात है, मगर इतना ध्यान रखो क्योंकि चौमासा के अंदर बारिश होती है तो लोग बाहर नहीं निकलते हैं, नौकरी वाले भी काम के लिए ही बाहर निकलते हैं, ऐसे नहीं घूमते हैं, और लेडीज तो बाहर जाती ही नहीं है जरूरत की चीज के लेप में, क्योंकि बारिश का मौसम है तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इसलिए चार महीना वो घर पे बैठे हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों, वो नौकरी पर बैठे हैं, ये घर पे बैठे हैं, मगर बाहर नहीं जाते क्योंकि बारिश का मौसम, बारिश तो बारिश के मौसम में हमारा जो शरीर है वो जकड़ जाता है, क्या हो जाता है, जकड़ना है। तो फिर वो ये नवरात्रि आती तो लोग गरबा करते हैं तो शरीर क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो माता जी के साथ जोड़ दिया, क्या कर दिया, माता जी के साथ जोड़ दिया। ये बहनों को कहेंगे कि आपको दो घंटा खड़ा रहना है, गुलाम नहीं खड़ा रह सकते, हमारे पांव में दर्द लगता है, मगर गरबा करना है तो चार घंटा करेंगे वही पांव के ऊपर, यही चमत्कार है। तो सबके अपनी अपनी क्या होती है, एक आस्था होती है, और आस्था रिलेटिव सत्य है तो वो काम चलता है, क्या बताए, काम चलता है। ये कोई सनातन सत्य नहीं है, नहीं है, आप समझे ना। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष को ऐसे रिलेटिव सत्य की आस्था में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इनको इससे पावर भी नहीं मिलता है, उसको सनातन सत्य के अंदर ही उनकी दृष्टि होती है, तो बाहर की टेम्पररी सत्य को उनको जरूरत नहीं होती है, तो उनको आकर्षण भी नहीं है और विकर्षण भी नहीं है, आप समझे ना, वो सहज रहते हैं, क्या कहते हैं, सहज रहते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी दृष्टि आत्मा के प्रति है, आत्मा के गुणों के प्रति है, प्रकृति के प्रति नहीं है, और टेम्पररी गुणों के में भी उसको जरूरत नहीं है, जब परमानेंट विजन मिल गया तो टेम्पररी क्या जरूरत है, आप समझे ना। तो दोनों की दृष्टि क्या होती है, संसारी लोगों को बराबर है, मैं मना नहीं करता हूँ, आप समझे। तो ये विज्ञान ऐसा है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, आप समझे। हर बात में आप ये पूरा जो विश्व है और विश्व का जितना भी धर्म है, अगर आप मूल में जाओगे ना तो आपको मालूम होगा धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, ये हमको मालूम ही नहीं, हम धर्म को धर्म मानते, एक्चुअली ये सामाजिक धर्म था, क्या था, सामाजिक धार्मिक धर्म नहीं था, मगर सामाजिक धर्म फिर सांप्रदायिक बन गया और फिर कट्टरता बन गई। मैं अच्युत हूं, पहला शब्द है मैं अच्युत हूं, तो इसका अर्थ क्या है, अच्युत का मतलब होता है उसका अपोजिट वर्ड है च्युत, जो अपना स्थान बदलता रहता है इसको च्युत कहते हैं। जैसे ये शरीर है, फिर दूसरा शरीर धारण होगा, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, देव का, दर का, तो ये अच्युत हो गया, क्या हो गया, अपने स्थान से परिवर्तित हो गया। आत्मा कैसा है, अपना स्थान कभी छोड़ता नहीं है, लाख होता होंगे कि मगर आत्मा तो वही का वही रहे, शरीर अपना स्थान चेंज करेगा, चेंज करे, तो शरीर मन वचन काया च्युत स्वभाव वाला है, मैं मन वचन काया से अच्युत स्वभाव वाला ऐसा आत्मा, शुद्ध आत्मा हो, समझ में आ गया जी, पक्का पक्का। दूसरा, कोई देखा डको दखल करूं नहीं, कोई डको दखल करूं नहीं, ऐसी शक्ति में शक्ति दो, केवल देखभाल करने की शक्ति दो, हाँ लास्ट में है, हाँ उसका मतलब क्या है, डको दखल करने का मतलब क्या है, मालूम है किसी को, डको दखल करना इसका मतलब क्या है, मेरे समझ से तो यही दिमाग में आ रहा था कि जो भी व्यवहार आत्मा कर रही है उसमें
शुद्ध आत्मा को कोई दखो दखल करना नहीं है, ज्ञात निष्ठा रहना है। और फिर भी मेरे को उलझन लग रही थी दिमाग में, तो मैं सोची आपसे मैं इसका समाधान करूं। ये आपने कहा पढ़ा? चरण विधि में आई है। ये शब्द नहीं अर्थ की बात कहा है, ये शब्द चरण विधि में, अर्थ कहाँ से पढ़ा? अर्थ तो कैसे पढ़ा नहीं, मेरी बुद्धि ने ऐसा किया है। वो लास्ट टाइम सत्संग में मैंने कहा था और आप भी थे। हाँ थे। मैंने कहा था डको डकल का मतलब है क्रिया की बात नहीं है, मन वचन काया से कुदरती कानून के मुताबिक पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक जो कुछ भी भुगतान होती है इसको विदाउट कंप्लेन और क्वेश्चन स्वीकार करना, इसका नाम है डको डकल नहीं करना, और स्वीकार नहीं करना उसका मतलब है डको डकल करना। नहीं समझ में आया? मन वचन काया से कुदरती कानून के मुताबिक पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप जो कुछ भी होता है जन्म से मौत तक, इसमें से कोई भी अवस्था को स्वीकार नहीं करना, इसको कहते हैं डको डकल करना कुदरत के साथ। किसके साथ? कुदरत के साथ। और स्वीकार करने का मतलब कुदरत को मान्यता देना कि आपने जो किया वो सही है, सुख दिया दुख दिया जो भी है वो मेरे ही कर्मों का फल है, इसलिए विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब केवल देखभाल करने की शक्ति। हाँ, देखभाल का मतलब जानो, अभी शरीर को सुख मिला फिर दुख मिला, इनसे मिला इनसे मिला इनसे मिला, देखते रहो मगर कंप्लेन मत करो ऐसा क्यों हुआ है ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा नहीं करो, जो है उनको ही एज इट इज स्वीकार करो। क्या बताया? अगर कंप्लेन करोगे, कहीं लोग मेरे को पूछते हैं कि स्वामी जी ये कलयुग के अंदर लोग सुख के लिए आनंद के लिए शादी तो करते हैं मगर शादी करने के बाद 2-5 साल होता है तो फिर कच 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 चालू हो जाती है। क्या हो जाती है? चालू हो जाती है। और कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि रेडियो अच्छा है कि हम बंद कर सकते हैं, इसको बंद भी नहीं कर सकते। उनका स्विच होता है, यहाँ तो स्विच भी नहीं है, अभी करें क्या? स्विच होती है तो बंद भी करेंगे, ये तो चालू हो गए तो चालू हो गए, अभी करें क्या? ऐसा लोग फरियाद करते हैं। नहीं, मैंने जो सुना है उसको बता रहा हूं। तो फिर मैंने कहा कि देखो आपको ये वाइफ मिली है और वाइफ को हस्बैंड मिला है, आप कैसे हैं? बोला मैं एकदम शांत हूं, सरल हूं, सीधा आदमी हूं, और वाइफ कचकच करती है, टेढ़ी मेरी है, हर बात में गलती निकालती है, हर बात में गलती निकालती है। मैं भीड़ा लेके आया तो बोला तुम ऐसा लेके आए, छोटा लेके आए, बड़ा लेके आए, गैड़ा लेके आए, या तो भाव ज्यादा लेके आए, कुछ ना कुछ गलती निकालना, क्या पता। तो ये आदत हो गई, क्या हो गई? जल्दी आ गए तो बोला जल्दी क्यों आ गए, लेट आ गए तो बोला लेट क्यों आए, टाइम पे आए तो बोला टाइम पे आ गए। अभी करें तो करें क्या, कंप्लेन ही कर ले, कोई भी बात को स्वीकार। अभी क्या करें, वो इंसान करे तो करेंगे। हर बात में आप देखोगे, वाइफ ने कहा कि देखो खाने का टाइम 11 बजे है, मैं बाद में खाना नहीं दूंगा, तो हस्बैंड को जल्दी जाना था, तो बोला आज जरा आधा घंटा ज्यादा दे दो पहले 10:30 बजे, मेरे को काम है। बोला आप दे दिया कल नहीं दूंगा। फिर दूसरे दिन कहा कि नहीं आधा घंटा लेट देंगे आज खाना, बोला कोई बात नहीं मैं खाना खा लूंगा आधा घंटे, तो आधा घंटा लेते। फिर एक बार 11 बजे आ गए तो बोला तुम तो टाइम पे आ गए, मैं घड़ी थोड़ी हूँ। तो क्या करेगा, जल्दी आए तो भी तकलीफ, लेट आए तो भी तकलीफ, टाइम पे आए तो भी तकलीफ। तो आप समझे, तो ऐसे कैसे लोग होते हैं, तो मेरे को फरियाद करते हैं कि स्वामी जी अभी मैं क्या करूं, मैं कैसे अपना जीवन बिताऊं। तो मैंने कहा देखो तुम सरल सीधे हो ना, और उनका स्वभाव टेढ़ा मेढ़ा है, कोई बात नहीं, मगर आपके दोनों में से पुण्यशाली कौन है? बोलिए बोलिए।
भाई पुण्यशाली है कि उनको अच्छा पति मिला, और तुम पुण्यशाली नहीं हो कि तुमको टीडी मिली। तो करेक्शन तुमको करना है कि वाइफ को करना है? बोलते नहीं किसको करना है। तो मैंने कहा अगर कंप्लेन किया कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ एज इट इज, यही मिलेगी। एक्सेप्ट कर लो, अच्छी है करके काम निकाल लो। आप सुन रहे थे, क्योंकि हमारी डिमांड से मिलती है। क्या बताया? ऐसे नहीं मिलती है, फरियाद मत करो। क्या बताया? समझाने की कोशिश कर सकते हैं, कंप्लेन मत करो, कैसे भी करके चला इसको चला दो। आप समझे? एक और शब्द का अर्थ बता दीजिए, फर्जियात और मर्जियात, ये दोनों शब्दों में अंतर बता दीजिए। फर्जियात और मर्जियात, ये दोनों का भेद बता दीजिए। फर्जियात का मतलब होता है कंपलसरी, और मर्जियात का मतलब होता है कंपलसरी नहीं है, मर्जी से है। मर्जियात का मतलब कंपलसरी नहीं है, अपनी मर्जी से। आपको स्वास्थ्य लेना है, वो फर्जियात है, ऑप्शन नहीं है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। कि चलेगी? नहीं चलेगी। एक घंटा नहीं लेना है, चलेगा नहीं? और खाना है तो मर्जी है, दो घंटे के बाद भी खाओ, आज नहीं भी खाना है तो खा सकते हैं, वो मर्जी है। क्या है? मर्जी है। ऐसे जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, वो फर्जियात नहीं होती है। क्या होती है? मर्जियात होती है, मगर मोह के वश हमको फर्जियात लगती है। क्या बताया? मोह के वश क्या लगती है? लगती है, फर्जियात लगती है। है? नहीं। आप समझे स्वामी जी? एक प्रश्न है। प्रश्न नहीं है, मतलब मेरे जो पति हैं, उनके मन के भाव है, वो संकोच वश कह नहीं पाएगा, और आज भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं कह दे रही हूँ। वो बोल रहे थे घर में कि मैं स्वामी जी से पूछूंगा, क्योंकि वो चरण विधि करते नहीं है, कभी कभी मन में आता तो करते हैं, तो पूछ वो उनके, उन्होंने मेरे से ऐसा मेरे सम्मुख में कहा, और कि मैं पूछूंगा स्वामी जी से कि क्या चरण विधि नहीं करना जरूरी है क्या? तो वो उन्होंने तो पूछा नहीं, पता नहीं किस कारणवश नहीं पूछ रहे हैं। तो मेरे अंदर तो भाव आया कि मैं ही क्यों ना उनके प्रश्न को पूछ लूं। वो आपके डर से नहीं पूछते। उत्तर दो। देखो चरण विधि तो क्या है कि अपने, वैसे ये चरण विधि दो दो भाग में बांटी गई है, व्यवहार निश्चय चरण विधि, व्यवहार और निश्चय चरण विधि। ये दोनों प्रकार की सत्या मांगना है, ये डेली प्रयोग करोगे तो आपके अंदर जागृति रहेगी। आप समझे? और जागृति के हिसाब से आपको ये पूरे दिन में उसका लक्ष्य रहेगा। आप समझे? तो चरण विधि करते हैं तो अच्छी बात है, कोई बुराई तो है नहीं इसके अंदर। नहीं कर पाते हैं, वो कह रहे थे कि मुझसे होता नहीं है, मैं ये पूछूंगा। कोई बात नहीं, नहीं होता है और करना है तो भाव करना चाहिए, बस चरण विधि करना चाहिए। या चरण विधि करने की हमको ही परमात्मा शक्ति दो, इसमें कोई कमी या बुराई तो नहीं है। आप समझे? करते हैं तो भी अच्छा है, मगर एक बात ध्यान में रखने का है कि क्रिया कोई भी है, कीमत दृष्टि की है। किसकी है? दृष्टि। क्रिया की कीमत नहीं है। आप समझे? आप चरण विधि बोलते हैं क्योंकि अंदर चेतन बैठा है, अगर वो कैसे बोलेगी तो जागृति बढ़ेगी, कैसे बोलेगी तो कैसे कैप्रिकार्ड। हमने बोला चरण विधि और अंदर जागृति बढ़ेगी हमारी, क्योंकि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों क्या है, सुनने वाला कहो समझने वाला कहो, वो क्या है, अलग है। तो समझने वाला का अटेंशन जितना रहेगा बोलने वाले पे, इतना इसको लाभ मिलेगा अपनी दृष्टि को परिवर्तन करने में, अपनी दृष्टि को पक्की करने में। और अगर वो मैकेनिकल बोलेगा तो कोई लाभ नहीं होगा है, मगर फिर भी वो लाभ हो सकता है। अगर आप ऐसा कहोगे कि मैंने बोला तो पुण्य मिलेगा। क्या मिलेगा? चरण विधि का लाभ नहीं मिलेगा,
मगर अच्छी बात आपने बोली तो आपको पुण्य मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा, आप समझे ना। मगर वो ही चरण विधि अगर कैसेट बोल देता हूं, कैसेट मैंने चालू कर दिया वो बजती रहती है और मैं अपना काम करता रहता हूँ, कुछ नहीं मिलेगा। तो वही बात हुई ना, जैसे कि हम अपने से पढ़ रहे हैं और जागृति हमारी अगर नहीं है तो कैसेट के समान ही तो हुआ ना। वही तो मैंने कहा, तो कैसेट के समान होगा तो इतना लाभ नहीं होगा। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ, जो बोलना है तो जागृति के साथ समझ के साथ बोलो कि इसमें जो भी आत्मा की बात है वो आत्मा मैं हूँ और मेरी क्वालिटी भी ऐसी है, और जो बात व्यवहार की है वो व्यवहार की प्रकृति मेरी नहीं है, ऐसी मेरी प्रकृति होनी चाहिए। इसके लिए आत्मा के बारे में जो बताया है वो मैं हूँ और प्रकृति के बारे में बताया वो मैं ऐसा नहीं हूँ तो होना चाहिए। तो व्यवहार और निश्चय ये चरण विधि है। आप समझे नहीं समझे? समझ रही हूँ, इसीलिए तो मेरे को दो शब्द उसमें के नहीं समझ में आए तो मैं लिख के दिया था इसमें। बहुत अच्छा। तो ये प्रश्न मेरा नहीं था, मेरे पति महाराज का था, तो इसलिए वो नहीं पूछे तो मैंने आपसे पूछा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण का महत्व समझाइए। मुक्त होने के लिए, मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण का महत्व नहीं है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रतिक्रमण है, और प्रकृति प्रकृति करता है, परमात्मा नहीं करता है, और मुक्ति परमात्मा को चाहिए, प्रकृति को नहीं चाहिए। प्रकृति को तो एक दिन मरना ही है और मुक्त हो गई, इसको मुक्त करना नहीं है। वो तो कंपलसरी है, क्या है? कंपलसरी। तो प्रकृति ने गलती किया और प्रकृति माफी मांगेगी, इससे आत्मा से कंसर्न नहीं है। आप समझे? हमें अपना दोस्त नहीं दिखता है ज्यादा, दोष नहीं दिखता है ज्यादा, तो मतलब दोष नहीं दिखेगा तो मुक्त कैसे होंगे? क्षमा मांगेंगे तो दोष किसका है? प्रकृति का है दोष। और तुम कौन हो? शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा का दोष है? नहीं है। तो तुमको शुद्धात्मा बनना है, प्रकृति बनना है? शुद्धात्मा बनना है ना। तो प्रकृति में दोष है, शुद्धात्मा को क्या तकलीफ हो? तो जैसे बोलते हैं ना, जितना पाप कर्म किए सबका दोष दोस्त माफी मांगो, नहीं तो मोक्ष अटक जाएगा। माफी मांगने, हाँ। माफी मांगना, वो प्रकृति गलती करती है तो प्रकृति माफी मांगे, हाँ। वो प्रकृति का सब्जेक्ट है, आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है, नहीं है। आप समझे? हाँ। तो गलती को माफी मांगना गलत बात नहीं है, हाँ। बात ये है कि शरीर गलती करती है, शरीर माफी मांगे, हाँ। उसमें कोई कमी नहीं है, नहीं। मगर मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य रख के फिर आप कहोगे कि मैंने गलती किया है और मेरे को माफी मांगनी है, वो अज्ञान नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ। शरीर को बुखार आता है और शरीर मेडिसिन लेती है, इनको आप पुरुषार्थ कहोगे? हाँ। पुरुषार्थ कहोगे? नहीं। क्यों? शरीर को बुखार आया और बुखार को मिटाने के लिए हमने मेडिसिन लिया और बुखार चला गया, तो वो पुरुषार्थ है? नहीं। तो शरीर ने गुस्सा कर दिया और शरीर ने माफी मांगी, ये वो पुरुषार्थ है? नहीं। तो फिर जरूरत है? नहीं। नहीं, जैसे बोलते हैं प्रवचन में, जब तक गलती का माफी नहीं मांगोगे तो मुक्त मुक्त नहीं होगे, फंस जाओगे, यही की यही बोलते हैं। और वही कहते हैं कि राम ने लाखों लोगों को मार के होली अवतार में मोक्ष में गए। हाँ। बोलते नहीं हो? हाँ, बोल। क्यों गए? शुद्धात्मा पद में थे इसलिए। तो इसलिए प्रतिक्रम का जरूरत नहीं है ना। हाँ। तो इम्पोर्टेंट क्या है, शुद्धात्मा पद में रहना कि प्रतिक्रम करना? शुद्धात्मा पद में रहना, बस खत्म हो गया, उत्तर मिल गया आपको। हाँ, मिल गया कि नहीं स्वामी जी? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञान, सनातन विज्ञान का अभी के समय में इतना जरूरत क्या है? अभी तो बहुत सारे धर्म हैं, कितने धर्म गुरु हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, तो इसका क्या जरूरत पड़ गया अभी? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ना। ये अध्यात्म विज्ञान वैसे हर काल के अंदर वो सीमित होता है, सीमित यानी थोड़े समय के लिए होता है। क्या होता है? परमानेंट नहीं होता।
सतयुग में भी जब मुक्त पुरुष की हाजिरी होती है तब ये विज्ञान का मार्ग होता है, बाकी उस समय भी धार्मिक मार्ग होता है। क्या होता है? मगर सतयुग के अंदर लोग जो है और लोग का मर वचन खाया है वो हाई लेवल के मानवतावादी होते हैं। क्या होते हैं? और इसीलिए अभी का जो राग द्वेष क्लेश कलह होता है ऐसा जीवन उस समय नहीं होता है। मगर धार्मिक जीवन लोग जीते हैं और उसमें आनंद रहता है। सामाजिक जीवन भी अच्छा है और धार्मिक जीवन जीते हैं तो नॉर्मल लाइफ होता है। क्या होता है आप समझे ना? बहुत आनंद भी नहीं और बहुत शोक भी नहीं, बहुत खुशी की बात नहीं हो और बहुत दुख की बात भी नहीं होती है सतयुग के अंदर। मगर उस समय उस जमाने में भी अध्यात्म की बातें जब महान पुरुष पैदा होते हैं तो उनकी हाजिरी में हो जाती है, बाद में धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आप समझे ना? और ये कलयुग में तो ये अध्यात्म विज्ञान की बात अपवाद के सिवाय होती ही नहीं है। सतयुग में तो बार बार होती है, कलयुग में तो अपवाद होता है। अपवाद समझते हैं जी? कभी कभार, कभी कभार होता है। तो ये शिल्प पुण्यानुबंधित पुण्यशाली लोगों के लिए यह है जी, आप समझे ना जी? सभी के लिए नहीं, नहीं है और सभी के लिए रहेगा भी नहीं जी, आप समझे ना जी? इसीलिए जो लोगों को मिलता है वो ये विज्ञान का लाभ ले रहे बस जी। ये रेगुलर कोर्स में नहीं आता, नहीं आता। ये पुण्यानुबंधित पुण्य क्या समझे इसको? पुण्यानुबंधित पुण्य का मतलब होता है वो पुण्य ऐसा हाई क्वालिटी का उनका है कि भौतिक चीजों की इतनी सारी माया की जाल के सामने भी उन्होंने कहा कि मेरे को आत्मा की बात समझनी है, ये दुनिया कैसे चलता है वो वास्तविकता मेरे को जाननी है, तो ये उसने पुण्य यहाँ खर्च कर दिया। क्या बताया? पुण्य खर्च। ये भौतिक चीज भी वही पुण्य से वो प्राप्त कर सकते थे मगर वो पुण्य का फल उसने क्या मांगा? आत्मा प्राप्ति। हाँ, कि मेरे को आध्यात्म की बातें समझने वाला कोई अनुभवी पुरुष मिल जाए जी, ये भावना किया था तो उसका ये फल है जी। सब व्यक्ति ऐसी भावना नहीं कर, आप समझे जी? तो इनके लिए है जी। तो ये कलयुग में मैंने कहा ना अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद। नॉर्मल ऐसा है? नहीं होता, नहीं होता है। तो जो भी जिसको भी ये विज्ञान सुनने को मिला है, समझना मिला है, बस इसका लाभ उठाओ, बाकी के व्यवहार धर्म सामाजिक धर्म तो चलता ही रहेगा जी। इसमें कोई बदलने की छोड़ने की बात नहीं है। आध्यात्म विज्ञान वो दृष्टि का मार्ग है और धार्मिक और सामाजिक मार्ग वो मन वचन काया से आचरण करने का मार्ग है। दोनों बात क्या है? अलग। एक मन वचन काया से आचरण करना है सामाजिक और धार्मिक, और आध्यात्मिक बात वो दृष्टि की बात है, वो मन वचन काया की बात नहीं। तो दोनों में से कोई संघर्ष है नहीं, नहीं। एक व्यवहार सत्य है, एक सनातन सत्य है। सनातन सत्य वो दृष्टि में होना चाहिए और व्यवहार सत्य तो मन वचन काया में है ही जी। हम कहते हैं मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरे पति है, पत्नी है, ये सब क्या है? व्यवहार सत्य। वो तो रहेगा, इसको त्याग करने की छोड़ने की बदलने की बात नहीं, मगर वो व्यवहार सत्य के सामने दृष्टि में सनातन सत्य होना चाहिए कि मन वचन काया उनकी सभी प्रकार की अवस्थाओं से मुक्त ऐसा बस। ये दृष्टि की बात है, इसमें बाहर कोई परिवर्तन करने की बात नहीं है। जो भी करना करते हैं संजोग के अंदर वो करते रहो, इसमें कोई बाधा नहीं है। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे मन में एक ऐसा सवाल उत्पन्न हो रहा है, सनातन विज्ञान मतलब ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, किसने ये ऐसा सब लाया इस कलयुग में कि लोगों के पास पहुंचे? तो ये मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि ये हुआ शुरू कहाँ से, किसने शुरू किया, ये ज्ञान किसने शुरू करवाया, इसका थोड़ा उल्लेख करके अच्छे से समझा। पहले सनातन शब्द का मतलब होता है परमानेंट सत्य, इसकी बिगिनिंग एंड नहीं होती, वो तो है। और सनातन के साथ विज्ञान जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया?
सनातन विज्ञान, क्या बताया? विज्ञान, या तो आध्यात्म विज्ञान जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? तो विज्ञान का मतलब होता है ये दुनिया का जो संचालन है वो कुदरती कानून से चलता है, कुदरती कानून वो विज्ञान है। क्या है? जैसे H2O से पानी होता है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वो क्या है? कोई भी लाइट चीज हवा में उड़ेगी वो क्या है? कोई भी भारी चीज नीचे वो विज्ञान है। ये वाष्पीभवन होके वाष्प पानी का गर्मी से वाष्पीभवन होके भाप बनती है, वातावरण बनता है, बारिश गिरती है, ये क्या है? विज्ञान है। दिन होता है रात होता है वो क्या होती है? विज्ञान। ठंडी गर्मी बारिश क्या है? लेकिन ये शुरुआत जो है स्वामी मैं बताऊ आपको, तो ये सब विज्ञान है। तो विज्ञान ही विश्व है, विज्ञान ही कुदरत है और विज्ञान ही दुनिया है। क्या बताया? दुनिया। और वो विज्ञान शाश्वत है। क्या है? शाश्वत। और शाश्वत का दूसरा नाम है सनातन। क्या बताया? जिसकी आदि और अंत नहीं। मगर ये विज्ञान जो है उसमें दो प्रकार है, एक चैतन्य विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान। क्या बताया? चैतन्य विज्ञान का मतलब होता है मैं आत्मा हूं और इसका अनुभव करना है, वो चैतन्य विज्ञान है। और चैतन्य विज्ञान के अलावा जो विज्ञान है वो भौतिक विज्ञान है जिससे ये दुनिया चलती रहती है। तो दो प्रकार का विज्ञान है और दो प्रकार का विज्ञान को जोड़ना उसका नाम है आध्यात्म विज्ञान। और आध्यात्म विज्ञान में से अगर आत्मा की बात निकाल दो तो वो भौतिक विज्ञान हो गया, जो दुनिया के साइंटिस्ट जिसको स्वीकार करते थे। समझ में आ गए? तो भौतिक और आध्यात्म में ज्यादा अंतर नहीं। छह तत्वों से दुनिया बनी है, उसमें पांच तत्वों को तो ये भौतिक विज्ञानी भी स्वीकार करते हैं और आध्यात्मिक विज्ञानी पांच तत्वों बता आत्मा को स्वीकार करते हैं, इसीलिए उसको आध्यात्म विज्ञान बताया। समझ में आ गए? नहीं। तो ये विज्ञान शाश्वत है, इसकी बिगिनिंग नहीं होती है, मगर महान पुरुष इसको अनुभव करके समय समय पे लोगों को बताते हैं। जी। इसमें पहली बार कब हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि विज्ञान शाश्वत है, तो कहने वाले भी समय समय पे आते ही रहेंगे, आएंगे और जाएंगे, आएंगे और, तो पहली बार ऐसा होता नहीं है। लेकिन स्वामी जी हम लोग जैसे शुरुआत की तो बोलते दादा भगवान 1958 में उनको ज्ञान हुआ सूरत में, तब से हम लोग सुने, बाकी चीज तो जो है विज्ञान जानते हैं, ठीक है जितना समझ में आता था, लेकिन अभी जो जो आप समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग जब जुड़े तो ये इस पता चला कि दादा भगवान जो थे उन्होंने ही ज्ञान का जो है जो हम लोग जिसे जुड़े हैं। जी बोलिए बोलिए। तो फिर ये चीज जो है वो वही मेरा पूछना था कि शुरुआत तो उन्होंने किया विज्ञान, ठीक है पहले से है, लेकिन जैसे हम लोग समझे जब से सुने समझे ज्ञान में आए कि ऐसा हुआ था, इस समय हुआ था, उसके पहले हम लोग तो नहीं जानते थे। जैसे सिमंदर स्वामी के बारे में भी हम लोग नहीं जानते थे, बाद में ज्ञान हुआ कि नहीं सिमंदर स्वामी ऐसे हैं वो ये है, तो उसी के बारे में मेरे को थोड़ा सा संशय था कि इसका स्पष्ट रूप से मतलब ये दादा भगवान एम पटेल जो थे उनको जो ज्ञान हुआ उनके द्वारा ही हम लोग के पास मतलब हम लोग उसको समझे, इसके बारे में थोड़ा बता दें। मैंने कहा ना कि भी विज्ञान तो समय समय पे बहुत महान अनुभवी पुरुषों ने समय समय पे यही विज्ञान उसी समय की भाषा में उसी समय के संजोग के अधीन बताया था और बताते रहते हैं और भविष्य में भी बताते रहेंगे। आप समझे ना, विज्ञान नया होता नहीं है, मगर समय समय पे जो अनुभवी पुरुष पैदा होते हैं वो उसी समय की भाषा से उसी समय के एग्जाम्पल से लोगों को यही विज्ञान बताते हैं। विज्ञान का दो प्रकार नहीं होता है, मगर विज्ञान का जो प्रेजेंटेशन है वो समय के अधीन होता है। राम ने भी यही विज्ञान बताया, कृष्ण ने भी यही बताया, महावीर ने भी यही बताया, वेदांत में भी यही विज्ञान है, दादा भगवान ने भी यही बताया, ऐसे बहुत सारे महान पुरुष हो गए
आप समझे नहीं कि जिन्होंने विज्ञान बताया है, मगर वो समय समय पे बताया, क्या बताया, समय उस समय उन्होंने बताया, तो विज्ञान कोई नया नहीं है। तो इसीलिए मैंने साफ बोल दिया कि विज्ञान का कोई क्रिएटर होते नहीं है, क्योंकि वो शाश्वत है। अगर कोई कहेगा कि विज्ञान उन्होंने बनाया तो वो सनातन सत्य नहीं है। नहीं, उन्होंने बनाया नहीं, उनको ज्ञान, वही तो मैं कहता हूँ। तो ज्ञान किसी को भी हो सकता है ना, पूरे ब्रह्मांड का उनको ज्ञान आया। हाँ, मगर वो ज्ञान किसी को भी हो सकता है ना जी, हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा होता नहीं है। समय समय पे जिसको भी हुआ उन्होंने कहने की कोशिश किया है जी। क्या बताया? कोशिश किया है, और भविष्य में भी कोशिश करते रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं है, आप समझे। मगर आम तौर से और खास करके इस कलयुग के अंदर ये अध्यात्म विज्ञान प्रचलित नहीं होता है, और बताने वाले भी नहीं होते हैं, आप समझो। क्योंकि ये विज्ञान इस कलयुग में ज्यादा नहीं चलता है, क्योंकि लोगों को भौतिक में रस है, चमत्कार में रस है, क्रियाकांड में रस है, ब्लेसिंग में रस है, आप समझे ना। बस आपका आशीर्वाद मिले, मेरा काम हो जाए, आप समझे ना। तो ये आम लोगों को इस प्रकार का रस है, इनको अध्यात्म में रस, उनकी संसारी विटंबनाओं का समाधान मिल जाए, उसमें रस है। तो आध्यात्मिक विज्ञान वाला क्या करेगा, कर सकते कुछ? और उसके सामने जो साधु संत सन्यासी है, इनको भी ये रस है कि मेरी संस्था कैसे बड़ी बन जाए, मेरे मंदिर कितने ज्यादा बने, मेरे पास मिलकत कितनी ज्यादा आ गए, मेरे शिष्य ज्यादा क्यों बढ़े, उसमें रस है। तो दोनों आपस में कलयुग वाले हैं, तो उसमें आध्यात्म विज्ञान कहाँ आएगा, बताइए। नहीं, ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन लोग इसका मतलब कि ज्यादा अंधविश्वास में ही लोग पड़े हुए हैं। मैंने कहा कि ये दुनिया अज्ञानता से ही चलती है और चलती रहेगी। जिसको ये दुनिया की वास्तविकता समझ में आ गई, वो ये दुनिया में रह ही नहीं सकते, उनको दुनिया से मुक्त होना ही है। और जिसको अज्ञान है वो दुनिया छोड़ भी नहीं सकते, और इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं। जब अज्ञान है तो छोड़ भी नहीं सकते, और अज्ञान नहीं है तो रह भी नहीं सकते। तो इसीलिए जो व्यक्तियों को सही ज्ञान हो जाता है तो एक दो तीन अवतार में वो चले जाते हैं। क्यों रहेंगे यहां, इनको न राज्य है, न देश में, न कोई मोह है, न कोई भौतिक सुख की इच्छा है, तो संसार में क्यों रहेगा वो। लेकिन दादा भगवान तो अभी हैं वर्तमान, मोक्ष तो उनको नहीं हुआ है अभी। नहीं, वो तो मेरे को नहीं मालूम जी, आपके पास कागज है तो बताओ। नहीं, कागज नहीं है, जैसे आपने बोला वैसे ही प्रवचन में आदमी सुनता है, तो अपना बात तो थोड़ा कहना पड़ता है। हाँ, बोलिए। ऐसा मैं सुना, प्रवचन में क्या सुना? ऐसा सुना हूँ कि क्या सुना, अभी वो है लेकिन मोक्ष उनको अभी नहीं हुआ है, मोक्ष दिलाने के लिए। मेरा जो जिज्ञासा था मैं आपके सामने प्रकट किया हूँ कि मेरे को भी कुछ समाधान हो जाए कि ये बात कहाँ तक सत्य है और असत्य है। नहीं, वो है और मोक्ष में नहीं है, नहीं गए, वो हम बता सकते हैं, मगर वो कहाँ है और वो क्या करते हैं वो हम नहीं बता सकते। आप समझे जी, आप समझे ना। उन्होंने खुद ने भी कहा है कि मेरा अंतिम अवतार नहीं है, अभी तो बहुत कुछ अवतार मेरा बाकी है, बाकी। आप समझे ना। और कई बार ये भी कहा है कि हम आप सबको लेकर जाएंगे, तो ये बताया है उन्होंने, तो इसीलिए हम उसकी बातों के ऊपर कोई संशय करना नहीं चाहते। आप समझे। हाँ, देखो, आपने जब भी, आपने मतलब आपकी बात नहीं करता हूं, जो भी लोग यहाँ आए हैं और जो भी लोग कहीं धर्म गुरु संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इसमें यहाँ दादा भगवान के पंथ वाले भी बहुत होंगे। प्रश्न मेरा ये है कि आप किससे जुड़े हैं वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मगर आप सबको एक बात तो मालूम होगी ही, या तो होनी ही चाहिए, कि विज्ञान की सोच और समझ
जब से ये विज्ञान सुना तब से मालूम हुआ, पहले विज्ञान शब्द की सोच नहीं थी, सिर्फ क्रिया को ही हम पुरुषार्थ मानते थे। कोई भी क्या बताएगा, क्रिया को पुरुषार्थ। आप समझे, जब विज्ञान को समझ में आया तब मालूम हुआ कि क्रिया वो प्रकृति का स्वभाव है, और क्रिया को अज्ञानता है तो पुरुषार्थ बोल सकते हैं, विज्ञान में क्रिया वो पुरुषार्थ। मगर उससे पहले आपने वो बात नहीं सुनी, कभी भी नहीं सुनी, कहीं से भी नहीं सुनी। हाँ या ना बोलो। हाँ बस, तो विज्ञान शब्द बोलने से विज्ञान नहीं होता है। विज्ञान शब्द को जब अनुभवी पुरुष बोलते हैं तो वो विज्ञान है, नहीं तो सिलेबस है। क्या है सिलेबस? जो किताब में लिखा है वो पढ़ा देते हैं, तो वो विज्ञान नहीं है, सिलेबस। सिलेबस समझते ना, जब अनुभवी पुरुष बोलेंगे तो वो विज्ञान है, क्योंकि उसकी बात गोल गोल नहीं होती, एकदम क्लियर होती है। क्या होती है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? सब शांत क्यों हो गए, डर गए क्या? समाधान मिल रहा है सबको, समझ गए। और किसी को प्रश्न करना है तो करें। स्वामी जी, फिर तो चरण विधि भी क्रिया में ही आ गई। या बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमारे समाज में अभी एक ये जगह जगह बहुत ज्यादा प्रचलित है कि किसी मनुष्य के अंदर क्या देवी देवता प्रवेश कर सकते हैं, समाधान देते हैं, कितना सत्य है ये? जिसको मानना है इसके लिए सत्य है, वास्तविक सत्य है? नहीं, नहीं है। मगर जिसको मानना है तो मना कैसे कर सकते हैं? यानी कि बहुत ही जगह में समाज में बहुत ज्यादा जोरों शोरों से है, समझो। जितनी अंधश्रद्धा ज्यादा इतना उसका प्रचलन ज्यादा। समझ में आ गया जी? बस इसमें हम क्या कर सकते हैं, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा? वो कहता है मेरे को माता जी आती है और आपको स्वीकार करना है, तो मैं क्या करूँगा? बोलिए, बात वही है ना, आपको स्वीकार करना है, वो कहता है आती है, आपको स्वीकार करना है, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं तो उसमें कितना विश्वास करना चाहिए। मैंने कहा ना कि वो सनातन सत्य नहीं है, वो हमारी मान्यता हो सकती है। क्या हो सकती है? मान्यता हो सकती है। देवी देवता, कोई भी देवी देवता किसी के शरीर में प्रवेश करते नहीं है। क्या बताया? अभी मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ, कोई व्यक्तिगत देवी देवता की बात नहीं करता हूँ। अभी मैं आपको प्रिंसिपल बताता हूँ, सिद्धांत समझते हैं ना, वो मैं सिद्धांत बताता हूँ, कोई व्यक्तिगत किसी की बात नहीं। कि दुनिया के कोई भी देवी देवता किसी के शरीर में प्रवेश करता नहीं है। अभी आप कहेंगे कि मनु भाई के अंदर करता है, व्यक्तिगत प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा उत्तर व्यक्तिगत नहीं होता है, मेरा उत्तर होता है कुदरत का कानून क्या है वो मैं बताता हूँ। क्या बताया? जो सबके लिए एक है, तो व्यक्तिगत प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं। फिर आपको सिद्धांत को मानना ना मानना आपकी स्वतंत्रता है, इसमें मैं कंपल्सरी बोलता है नहीं हूं। तो कोई भी देवी देवता किसी में प्रवेश नहीं कर सकता है। फिर किसमें करता है किसमें नहीं करता है वो मेरा संदेह, और कौन मानता है कौन नहीं मानता है वो भी मेरा संदेह, वो दोनों की बात है, इसमें सनातन सत्य की बात नहीं है। तो स्वामी जी, वो एक दिखावा हो जाता है क्या? वो जो भी कहो नहीं, फिर उन लोग फिर काम ही ऐसा कुछ करते हैं कि बहुत ज्यादा उस मानने लगते हैं लोग उनको। जितना जितना भय ज्यादा इसकी मान्यता ज्यादा। क्या बताया? जितना भय ज्यादा इतने मानने वाले भी स्वामी जी। जय सत्यनारायण। देवी देवता किसी भी शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं, उसका साइंस बताइए लोग, क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण है? कोई भी देवी देवता हमारे शरीर में प्रवेश क्यों करेगा? ये मल मूत्र वाला शरीर,
ये लोही खाना पीना संडास वाला शरीर, इसमें कौन प्रवेश करेगा? बॉडी के अंदर आप तो सोचो जरा, प्रवेश क्यों करेंगे? कोई पवित्र पुरुष है, कोई भी पवित्र पुरुष तो इनको कोई देवी देवता दर्शन दे सकते हैं, मगर शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। क्यों करेंगे भाई? कभी राम ने कहा मेरे अंदर देवी देवता आते हैं, कभी कृष्ण ने कहा, कभी महावीर ने कहा, तो क्या ये सब उससे बड़े हैं? यूज द कॉमन सेंस, दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। मैंने पहले भी कहा आपका अज्ञानता ज्यादा, इतना लाभ लेने वाला ज्यादा, आप समझे नहीं समझे? वो लोभिया होता है तो दुथारा कभी भिखा नहीं मरता। दुनिया दोनों की चलाते हैं, क्या करेंगे भाई? इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो उसे वो तो हमारा विषय नहीं है, हमने तो सच्चाई बता दिया। क्या बता दिया? किसी को मानना है नहीं मानना है वो उनका सब्जेक्ट है, मैं व्यक्तिगत किसी का विरोधी नहीं हूं और वो मेरा सब्जेक्ट भी, मेरी बात तो सिद्धांत ही क्या है वो बताऊंगा आपको, आप समझे? बोलिए स्वामी जी। जैसे कि रामायण में बोलते हैं कि ये मनुष्य जीवन सुर दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो भी चाहते हैं मनुष्य जीवन मिले करके, और इस जीवन से हम लोग सोचते हैं कि मुक्ति चाहिए, तो ऐसा दोनों में ये क्या है कि वो लोग मनुष्य जीवन चाहते हैं और हम लोग यहाँ से मुक्ति चाहते हैं, तो क्यों ऐसा है? देवी देवता भी मनुष्य भव इसीलिए चाहते हैं कि मनुष्य भव से ही मुक्ति है। क्या बताया? मनुष्य भव से ही मुक्ति है। हाँ, ये चारों गति है, मनुष्य गति, पशु योनि, नर गति और देव योनि, ये चारों गति के अंदर सबसे ज्यादा हैंडीकैप है, हैंडीकैप समझते हैं? वो देवलोक है। क्या है? वो कैसे विकलांग है, वो कैसे हैंडीकैप है? क्योंकि उनके पास ज्ञान ऐसा है, सब कुछ जानता है, मगर कुछ कर नहीं सकता, यही तो कमजोरी है। नहीं समझ में आया? वो सहदेव के पास ज्ञान था, वो सब कुछ जानता था, मगर बिना पूछे नहीं बता सकता था, तो क्या हो गया? मजबूरी हो गई, दिखता है मगर बोल। वो भी कुदरती कानून के आधार पर ही, कुदरती कानून के आधार पर तो है, वही तो मैं कहता हूँ, इनको बहुत मजबूरी है, क्या करेंगे? अगर वो कोई देवी देवता, कोई भी समर्थ पुरुष जैसे तीर्थंकर होते हैं, जैसे कोई राम हो, कृष्ण है, महावीर है, ऐसे कोई समर्थ पुरुष अभी आज विद्यमान है, तो उनकी प्रत्यक्ष रूप से वहां जाके आरती वगैरह करेंगे सब परिवार देवी देवता, तो उनको पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ड्यूटी में जाता है। किसमें जाता है? ड्यूटी में। और यहाँ हिंदुस्तान में कोई लोग राम कृष्ण महावीर के फोटो की पूजा भी करेगा तो पुण्य बनेगा, क्योंकि उनको पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं है, वो कर्मों के भुगतान के लिए गया है, पाप पुण्य करने के लिए नहीं गया है, पुण्य की भुगतान, वो नया कर्म चार नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं जी? तो इसलिए वो जानते हैं फिर भी नहीं कर सकते हैं, जानते हैं फिर भी नहीं कर सकते। हाँ, ये मजबूरी है। आपको जान, आप जानते हैं कि अभी कल ऐसा होने वाला है, मेरे भाई का एक्सीडेंट होने वाला है, आपको दिखता भी है, मगर आप बोल बोलोगे तो ज्ञान चला जाएगा। तो मजबूरी कैसी हो गई? जानते भी है और बोल भी, आप समझे ना? वो उस अवस्था में आओगे तो आपको मालूम होगा इसका मतलब क्या है, आप समझे कि नहीं जी? अगर आप कोई कंपनी के मैनेजर है, क्या बताया, कोई कंपनी के मैनेजर है और कोई छोटा कारीगर जो मशीन चलाता है, क्या चलाता है? मशीन चलाता है। उन्होंने गुस्से में आसे मशीन का एक हैंडल तोड़ दिया और वो मशीन इंपोर्टेड है, यहां मिलता नहीं है, तो टूट गया, मशीन बंद हो गया, तो फिर सुपरवाइजर, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर, फिर मूल मैनेजर के साथ बात गई, तो मैनेजर ने कहा कि भाई उसको सस्पेंड कर दो, नौकरी से निकाल दो। तो नीचे लोगों ने कहा भी तो गलती हो गई, इंसान है, वो तो हो जाता है, इसमें नौकरी निकालने की क्या जरूरत है? तो कि
उसको तो ऐसा लगता है कि टूट गया यानी छोटी गलती हो गई, मगर वो जनरल मैनेजर है, उन्होंने बताया है मैंने मालिक को कि मैं आपको 10 दिन में ये प्रोडक्शन खत्म करके दे दूंगा। अभी मशीन क्या हो गया? टूट गया। अभी क्या करेंगे बोलिए? प्रोडक्शन ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो डांटेगा किसको? मालिक मैनेजर। वो कारीगर को डांटेगा? नहीं। तो कारीगर को छोटी गलती लगती है और मैनेजर को बड़ी गलती। तो ये दृष्टि की बात है, आप समझो तो हम बोल भी नहीं सकते, आप समझे? वो निकालेंगे नहीं सकते और सेठ की भी गाली सुनना पड़ेगा, आप समझे? जानबूझकर भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसी मजबूरी समझते हैं। हाँ। तो जैसे हायर लेवल पे जाते हैं तो मजबूरी हो जाती है। क्या हो जाती है? मजबूरी। आप समझे कि नहीं समझे? जी। वो मजबूरी हो जाती है, वो नहीं बोल सकते हैं। जी। आप यहाँ सब बैठे हैं, ठीक है, कुछ उल्टा सुल्टा प्रश्न कर दोगे, मेरे पर गुस्से हो जाओगे, मेरे को गाली भी दे सकते हो, मेरा अपमान भी कर सकते हो, वो आप कर सकते हैं क्योंकि आपका रिकॉर्ड नहीं होता है और आप स्टेटस वाले नहीं है, आप समझे ना? लोग आपको प्रमाण, मगर मैं कुछ करूंगा तो आप कुछ भी करेंगे फिर भी मेरे को समता भाव रखना पड़ेगा, आप समझे? कुछ भी करोगे तो भी, समझ में आया कि नहीं आया? जी। क्योंकि जैसे लेवल हाई होता है तो उनकी उनकी क्षमता भी हाई होनी चाहिए, नहीं तो वो अगर नहीं रखेंगे तो गिर जाएंगे एकदम नीचे। जी। जितनी हाई इतना ही नीचे गिरेगा। तो ये इसलिए मैंने कल भी कहा था कि जितनी एग्जाम भारी होती है इतना लेवल भी भारी मिलेगा, एग्जाम भारी पास होंगे तो स्टेटस भी यही मिलेगा, फिर उसके आगे की एग्जाम लोगे तो स्टेटस और बड़ा मिलेगा, मगर एग्जाम भी इतनी सरल होती नहीं है, आप समझे कि नहीं? जी। तो इसीलिए ऊपर जाना है तो एग्जाम तो भारी देनी पड़ेगी क्योंकि आपको डिग्री लेना है। क्या लेना है? डिग्री लेना है। भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ता है उस समय इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर दसवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस लेवल की, फिर ग्रेजुएट होता है तो उस लेवल की होती है, फिर मास्टर डिग्री होती है तो उस लेवल की होती है एग्जाम, और पीएचडी होता है तो उस लेवल की होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो एग्जाम का लेवल भारी रहेगा इजी, क्योंकि डिग्री भी इस प्रकार की मिलेगी ना। आप समझे कि नहीं? ऐसे आध्यात्म मार्ग में भी ऐसा है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उनका लेवल हाई होता है तो वो उनको एकदम सब कुछ जानने के बाद भी समभाव रखना पड़ता है। आप गलती करते हैं, गलती को गलती मानते भी है, फिर भी आपको वो अकर्ता भी मानते हैं, कुदरती रचना मानते हैं और अपने आप में संभाव में रहते हैं। आप समझे? स्वामी जी एक और क्वेश्चन है कि पहले जमाना में इतना राजा लोग चक्रवर्ती होते थे कि कितना सैनिक होता था, कितने रानी होते थे, कितना रुपया पैसा संपत्ति होता था, फिर भी उनको मोक्ष जाने की क्या जरूरत पड़ता था? क्यों जाते थे मोक्ष सब कुछ होने पर? सब कुछ होने के बाद भी मोक्ष में जाने की तरफ क्यों लगती है? क्योंकि उसको मालूम है ना ये सब कुछ होते हुए अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज है और कल, आज है और कल नहीं है। क्या लगता है भगवान या जगदीश राम साहू? आपका प्रश्न है परम श्रद्धेय स्वामी जी, भगवान या परमात्मा किसे कहेंगे और देवी देवता किसे कहेंगे, हम कैसे जानेंगे? हाँ, पहला प्रश्न है आपका भगवान या परमात्मा किसे कहेंगे। भगवान या परमात्मा जो आत्मा है हमारे अंदर, हमारे सबके अंदर है, वही परमात्मा है, मगर कब? जब अनुभव होता है तब। अनुभव नहीं होता है तो वो आत्मा है और अनुभव हो जाने के बाद वो परमात्मा है। तो जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हो गए वो तो बाहर तो दिखता नहीं है, मगर उस व्यक्ति को लोग भगवान कहते हैं। हाँ, तो जो व्यक्ति के अंदर भगवान प्रकट, आत्मा प्रकट हो जाता है तो इसको परमात्मा कहते हैं,
और लोग शरीर के रूप में उसको भगवान मानते हैं, क्योंकि परमात्मा तो दिखता है नहीं, मगर परमात्मा इस शरीर में प्रकट हो गया, मतलब अनुभव हो गया, सभी प्रकार का अज्ञान खत्म हो गया, और जो परमात्मा की शक्ति थी वो सब क्या हो गई, खुली हो गई उसको। तो इसको बाहर से लोग भगवान कहते हैं, मगर शरीर कभी भगवान होता नहीं है, मगर अंदर की पहचान नहीं होती है तो बाहर के स्वरूप को भगवान कहते हैं, आप समझे ना। मगर आत्मा ही परमात्मा है, मगर अनुभव होने के बाद। अभी आपको दृष्टि मिली है कि मैं आत्मा हूं, आप समझे ना, परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। जब अनुभव हो गया तो वही आत्मा क्या हो गया, परमात्मा हो गया। दूसरी बात, देवी देवता किसे कहेंगे, हम इसको कैसे जानेंगे। देवी देवता होते हैं वो, हम इसको देख नहीं सकते। क्या बताया, चमड़े की आंखों से उनको देख नहीं सकते हैं, इनकी फोटो को मूर्ति को देख सकते हैं। क्या बताया, फोटो और मूर्ति को देख सकते हैं, देवी देवताओं को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि देवी देवता जो होते हैं वो वास्तव में अपने मूल स्वरूप में फिजिकल फॉर्म में यहाँ नहीं आते हैं। उनका शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। क्या होता है, सूक्ष्म शरीर। वो अदृश्य रहते हैं, वो चाहे तो आपको दर्शन दे सकते हैं, मगर वो नॉर्मली ऐसा करते नहीं है, आप समझे ना। तो देवी देवताओं को हम देख नहीं सकते, विशिष्ट प्रकार की कोई समर्थ व्यक्ति है इनका दर्शन कर सकती है, आप समझे ना। आम लोग इसको चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते हैं नॉर्मली, आप समझे। तो अभी आपको क्या जानना है, बोलिए। भगवान तो एक रूपक है, क्या है, जब आत्मा को नहीं पहचान पाते हैं, मगर जब जिसके अंदर आत्मा प्रकट हो जाता है तो शरीर को भगवान कहेंगे, क्योंकि आत्मा तो इनका दिखता नहीं है, आप समझे, ऐसा है। समझ में आया कि नहीं, समझ गया। हाँ। लास्ट में मैं एक बात कर दूं आप सबको ध्यान रखने के लिए, यहां पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन आता है कि नहीं आता है, कोई लोग बोलते नहीं तुम घर पे नहीं आता होगा, आके ना तो बोलो आते, आते। हमारे गुजरात में कहा बातें कि जो जिंदे लोग हैं वही आवाज कर सकते हैं, मुर्दा है बोलते नहीं है, मुर्दा कर सकता है नहीं कर सकता, कौन कर सकता है, जिंदा। तो मैंने आपको प्रश्न किया कि यहाँ पोस्टमैन आते हैं कि नहीं, तो कौन उत्तर दे सकता है, जो जिंदा है वही, मुर्दा तो नहीं बोल सकते है। तो यहाँ पोस्टमैन आता है तो पोस्टमैन का काम क्या है, पोस्ट की डिलीवरी, पोस्ट की क्या करना है, जिनकी पोस्ट कहीं से भी लिखी है, दुनिया के कोई भी क्षेत्र से लिखी है, मगर आपके एड्रेस की पोस्ट आपको देना, ये पोस्टमैन का क्या है, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। समझ में आया जी। तो पोस्टमैन जब हमारों को पोस्ट देता है तो इसमें पसंदी वाली भी होती है, नापसंदी होती है, होती है कि नहीं, होती है। इसमें बिल भी आता है और चेक भी आता है जी। इसमें किसी के शादी की कंकुत्री भी आती है और मरण की टपाल भी आती है। तो जो भी सुख दुख की बात आती है और जो भी बिल और चेक की बात आती है, उनके लिए पोस्टमैन जिम्मेदार है नहीं है, नहीं है। क्योंकि पोस्टमैन का काम क्या है, पोस्ट की डिलीवरी। तो डिलीवरी करने वाले व्यक्ति जो भी डिलीवरी करे उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। ऐसे हमारे जीवन के अंदर हमारे खुद को छोड़कर जो माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, पति पत्नी के रूप में, माता पिता और बच्चे के रूप में, ग्राहक व्यापारी नेबर फ्रेंड्स रिलेटिव जितने भी सामाजिक लोग जो भी हैं, ये सभी लोग हमारे लिए पोस्टमैन है। क्या है, पोस्टमैन है।
पोस्टमैन जैसे पोस्ट की डिलीवरी करते हैं, ऐसे ये सब लोग परिवार के, समाज के, देश के लोग जो है वो हमारे कर्मों की डिलीवरी करते हैं। किसकी करते हैं? कर्मों की। अगर मेरा पाप का उदय है तो वो दुख देके चला जाएगा, और पुण्य का उदय है तो सुख देके चला जाएगा। मगर देने वाला कौन है? पोस्टमैन। और पोस्टमैन दोषी तो होता है कि निर्दोष? निर्दोष होता है। और हम कैसा देखते हैं पोस्टमैन को? दोषी देखते हैं। समझ में आया कि नहीं? जी। तो करेक्शन कहाँ करना है? दृष्टि में। बोलिए, समझ में आया? कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म की डिलीवरी करे, इनको पोस्टमैन समझ के निर्दोष ही देखना है, क्योंकि ये मेरे ही कर्मों का फल है। इसीलिए देने वाला जिम्मेदार नहीं है। भाई वो बिल लेके आया पोस्टमैन, मगर क्योंकि मैंने टेलीफोन का यूज किया है तो बिल तो भरना पड़ेगा, इसीलिए पोस्टमैन को डांटने की जरूरत नहीं है। बोलते नहीं है, समझ में आया कि नहीं? अगर मैंने पाप कर्म किया था पिछले अवतार में, तो मेरे को इसकी भुगतान के लिए कोई भी निमित्त मिल जाएगा, मगर वो पोस्टमैन उसके लिए जिम्मेदार नहीं। वो गाली भी दे सकता है, मार भी दे सकता है, मेरा पैसा भी ले सकता है, मेरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है, फिर भी वो जिम्मेदार नहीं, क्योंकि वो कौन है? पोस्टमैन। वो मेरे कर्मों की पोस्टकर्म डिलीवरी करते हैं। समझ में आया कि नहीं? आया। बोलते नहीं है? आया कि नहीं? आया। तो भूल जाओगे कि याद रखोगे? याद रखेंगे। बराबर है कि नहीं? जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। मेरा एक जिज्ञासा है, और वो प्रसंग है रामचरित मानस का ही। रामचरित मानस में तो वो प्रसंग आता है ज्ञान दीपक प्रसंग। वहां पे बोलते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, और बंधियो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा। मृषा मतलब व्यर्थ की बातें हैं, मिथ्या बातें हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा, छूटत कठ नहीं, और तब से जीव भयो संसारी, और छूटी न ग्रंथि न होए सुखारी। तो वो कैसे छूटेगा वो ग्रंथि जो है, ये गांठ पड़ गया है। हम चेतन को अलग मानते हैं, जड़ को अलग मानते हैं, वस्तुतः वो कहने वाला जो है वो बोलते हैं कि उस वो मिथ्या की बात है, लेकिन वो मिथ्या धारणा अपने में बैठी हुई है, वो किस तरह से छूटे, बस ये एक जिज्ञासा आपसे चाहते हैं। देखो, ये जो रामचरित मानस में जो तुलसीदास जी ने जो लिखा है जी, वो उनको ये कहना चाहते हैं कि जब आप जड़ को ही चेतन मानते हो वो मिथ्या है जी, और चेतन को जड़ मानते हैं वो भी मिथ्या है। क्या बताया जी? मगर चेतन को चेतन मानते हो और जड़ को जड़ मानते हो, मिथ्या नहीं है वो? मिथ्या नहीं है। ठीक, आप समझे? जैसे आप कहते हैं ये शरीर में हूं, ये मिथ्या है जी। क्या बताया? जैसे हम शरीर को मैं मानता हूँ, हाँ, वो मिथ्या है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा है मगर मैं नहीं, मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और मेरे को शरीर कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, कर्म खत्म हो जाएगा, इसको जला दिया जाएगा, मैं तो जलने वाला नहीं हूँ जी। मगर शरीर को ही मैं माना जी, मेरा नहीं, मैं ही शरीर हूँ, बस वो मिथ्या ज्ञान है। जड़ को ही चेतन माना जी। फिर जब शरीर में नहीं हूँ तो संपत्ति में हो सकता हूँ नहीं, साधन में हो सकता हूँ नहीं, सत्ता में हो सकता हूँ नहीं, संबंधों में हो सकता हूँ नहीं, तो ये सब जड़ है, और जड़ को मैं मानता हूँ वो मिथ्या है जी। आप समझे कि नहीं जी? तो चेतन चेतन है, जड़ जड़ है, जड़। मगर जड़ को चेतन मानना बस वो मिथ्या ज्ञान है। वो ज्ञान आपको दृष्टि में से मिटाना है। जड़ भी है चेतन भी है, मगर दोनों अपनी जगह पे सही है जी। क्या बताया? दोनों अपने जगह पर सही है, मगर जड़ को चेतन मानना और चेतन को जड़ मानना वो तो अज्ञानता है। ये मिथ्या है, अज्ञानता। ये मिथ्या है जी। ये अज्ञानता है जी। समझ में आ गया जी? समझ में। तो शरीर से आत्मा की
उत्पत्ति होती है और आत्मा से शरीर की उत्पत्ति है, वो दोनों भ्रांति है जी। क्या बताया? दोनों भ्रांति है। शरीर से आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है जी। और आत्मा से शरीर की उत्पत्ति नहीं हुई है, मगर शरीर और आत्मा को दोनों को साथ में रह के जो भ्रांति खड़ी हो गई कि मैं आत्मा होने के बावजूद भी मैं शरीर को मैं मानने लगा, ये भ्रांति की अज्ञानता से कर्म बने और जन्म मरण के चक्कर में फंस गए। फंस गए। तो ज्ञानी क्या कहता है? जड़ को जड़ मानो, चेतन को चेतन मानो, तो धीरे धीरे अज्ञानता मिट जाएगी। मिट जाएगी जी। समझ में आया जी कि नहीं आया? नहीं समझ में आ गया।